So thank you everyone for joining us and good morning. आप सभी को मेरा नमस्कार. मैं हिमानी शर्मा फ्रॉम फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी आप सभी का इस रिवेजिटेशन वेबिनार में हार्दिक स्वागत करती हूँ. आज हम यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों में रिवेजिटेशन मेजर्स के क्षेत्र में जो भी अनुभव हमारे रहे हैं और उनसे जो अभी तक हमने सीखा है उनको उनपे चर्चा करने के लिए उनपे बात करने के लिए हुए हैं. जैसा कि हम सभी को पता है कि रिवेजिटेशन एक बहुत ही टाइम सेंसिटिव होता है और जून से सितंबर का जो समय होता है इस काम के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है. तो पौधारोपण और रिवेजिटेशन के तहत जितने भी किए गए काम काम है उनसे उनसे जो भी सफलता हुई है इस बार की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि काम किस प्रकार से हुआ है. जैसे कि कौन से पौधे लगाए गए, पौधारोपण किस प्रकार हुआ, गड्ढे कब खुदे, कैसे खुदे, कौन सी तकनीक से पौधे लगाए गए, किस प्रकार से पौधे लगाए गए. तो आज हम यहाँ इस बारे में बात करेंगे कि अच्छे रिवेजिटेशन कार्य किस प्रकार से होने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान किन किन बातों को ध्यान में रखा जाना जरूरी है और उन लोगों और प्रयासों से सीखने का कोशिश करेंगे जहाँ पे ये प्रयास बहुत अच्छे से हुए हैं और वहाँ किस प्रकार से काम हुआ और ये सराहनीय और किस प्रकार से परिणाम जो है सराहनीय परिणाम देखने को हमें मिलते हैं. तो इसी के साथ टुडे वी आर ऑनर्ड टू हैव हियर डॉक्टर सतीश शर्मा जो कि हमारे आज के कीनोट स्पीकर भी हैं. डॉक्टर शर्मा का इस फील्ड में काफी बड़ा नाम है. शर्मा सर को इस फील्ड में काम करने का 40 वर्षों से भी अधिक का अनुभव रहा है. शर्मा सर को इस क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए भारत का जो फॉरेस्ट्री फील्ड में मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड, उससे सर को 2 बार नवाजा जा चुका है. एंड उनके पास इस क्षेत्र में ज्ञान का भंडार है और उनकी इनसाइट्स एंड एक्सपर्टीज हमको इफेक्टिव रिवेजिटेशन टेक्निक्स और मेथड्स के अराउंड वैल्यूबल जानकारी सीखने और समझने में मदद करेगी. डॉक्टर सतीश शर्मा के साथ ही आज हमारे साथ विभिन्न राज्यों से हमारे साथी जुड़े हैं जिन्होंने रिवेजिटेशन के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है. अगर देखें तो राजस्थान में हमारे साथ आशा जी और श्रेया जुड़े हैं फ्रॉम फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी. गुजरात से हमारे साथ बलवंत भाई जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है सियाल गांव से, वो विक्रम भाई जो फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में गुजरात टीम को लीड करते हैं उनके साथ जुड़े हैं. कर्नाटका से हमारे साथ ममता जी जुड़े हैं जो पंचायत रिसोर्स पर्सन है और ममता जी के साथ श्रीरंग हेच फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी से हमारे साथ जुड़े हैं. उड़ीसा राज्य से हमारे साथ जिल्ली नायक जो कि पंचायत रिसोर्स पर्सन है और वो कार्तिक के साथ फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में जो काम करते हैं उनके साथ जुड़े हैं. सो सारी ही टीम इस फोरम में उनके वैल्यूबल एक्सपीरियंसेस और पर्सपेक्टिव को शेयर करने की कोशिश करेगी और हमारे और बेसिकली हम आशा करते हैं कि हमारे जो पर्यावरण को संरक्षित रखने और रिवेजिटेशन के अराउंड अच्छे काम करने के लिए हमको प्रेरित करेंगे. इसी के साथ हम ये भी आशा करते हैं कि आज इनकी स्टोरीज और वैल्यूबल इंसाइट आपको रिवेजिटेशन के अराउंड अपनी समझ बढ़ाने में और इस क्षेत्र में किए गए कार्यों किए गए सराहनीय प्रयासों को समझने में हमें मदद करेंगे. तो इसी के साथ मैं डॉक्टर सतीश शर्मा सर का स्वागत करती हूँ और सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो रिवेजिटेशन तकनीक और प्रथाओं के बारे में अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें और बताएं कि ये करते वक्त किन किन बातों का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए, ये किस प्रकार से किया जाना चाहिए. So, sir, the floor is yours and we have around 15 to 20 minutes for the discussion. Sir, आप म्यूट पे हैं सर.
बहुत बहुत धन्यवाद हिमानी मैडम, आदरणीय हिमानी मैडम, सांगा मैडम और दीक्षा मैडम, सारी हमारी टीमें, सारे पैनलिस्ट और जो भी सुन रहे हैं, मैं आप सभी को बहुत आदर के साथ नमन नमस्कार करता हूं। और जैसा हिमानी जी ने बड़ा कॉन्टेक्स्ट सेट किया है कि और कि हम रीवेजिटेशन क्यों करते हैं, कैसे करें, क्योंकि अभी अब देखिए मानसून तो बिल्कुल आ गया, सर पे खड़ा हुआ है, तो हमारी तैयारियां अब पीक पे हो जानी चाहिए। कई जगह मानसून आ चुका है, कई 10 दिन बाद आ जाएगा। अभी मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में 13-14 तारीख के आसपास आ जाएगा, राजस्थान में ये 28-29-30 तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब हमारी तैयारियां अच्छी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमने ये जाने कि आखिरी वो कौन सी चीजें हैं जिन्होंने हमें मजबूर कर दिया कि हम रीवेजिटेशन करें, रेस्टोरेशन करें, रिजर्वेशन को बढ़ावा दें। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे जंगलों को खराब किया, हमारे चारागाहों को खराब किया। एक टाइम था जब हमारी पॉपुलेशन थोड़ी थी, 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ, हम लगभग 36 करोड़ के आसपास थे, और आज हमारी पॉपुलेशन देखिए 140 करोड़ के आसपास हो गई है। तो 75 साल में हम कितना और प्लस हुए है, हर साल एक ऑस्ट्रेलिया के हमारी पॉपुलेशन ऐड हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है, फॉरेस्ट पर जो कॉमन रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट है, वेटलैंड है, ग्रास लैंड है, सब पे प्रेशर पड़ रहा है और वो डिग्रेड हो रहे हैं। आदमियों की पॉपुलेशन नहीं बढ़ी है, जो कैटल पॉपुलेशन, लाइव स्टॉक पॉपुलेशन वो भी बढ़ रही है, और बहुत सारे एनिमल लाइव स्टॉक के ऐसे हैं जो कि फॉरेस्ट पे, चारागाहों पे डिपेंड करते हैं, उनकी ग्रेजिंग होती है, ब्राउजिंग होती है, वो भी रेस्पॉन्सिबल है कहीं कहीं उस फॉरेस्ट को डिग्रेड करने के लिए। फायर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसने फॉरेस्ट को डिग्रेड किया। इसी तरह आपका देखिए ड्राउट भी, हर दूसरे चीज के साथ कहीं कहीं ड्राउट हो जाती है, और इसकी वजह से हमारा डिग्रेडेशन हो रहा है, और हमारे डेवलपमेंट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए फॉरेस्ट जो लैंड है वो नॉन फॉरेस्टी एक्टिविटीज के लिए भी उसको अलॉटमेंट हो जाता है। तो इस सब की वजह से डिग्रेड हमारा हो रहा है, सोइल इरोजन भी बढ़ रहा है, और तो हमारा धीरे धीरे फॉरेस्ट खराब हो रहा है, कई जगह हमारे ग्रास लैंड खराब हो रहे हैं। तो ये डिग्रेडेशन के मेन कारण है, और डिफरेंट स्टेजेज हैं डिग्रेडेशन की। तो इस डिग्रेडेशन को जो हो रहा है उसे इफेक्ट क्या पड़ रहे हैं, देखिए उसे इफेक्ट ये हो रहे हैं कि जो इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही हैं, जो मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं और सर्विसेज मिल रहे हैं, वो सब बहुत हमें कम होती हुई जा रही है। कितने ही डायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, टिम्बर है आपका, बांस है, बैंत है, गोंद है, बीड़ी पत्ता है, ये बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं जो डायरेक्ट मिल रहे हैं, इसी तरह एनिमल प्रोडक्ट भी बहुत सारे मिल रहे हैं, इनमें कमी आ रही है। दूसरा जो सर्विसेज है, जैसे बहुत सारे धीरे धीरे पॉलिनेटर्स कम होते जा रहे हैं, सीड डिस्पर्सल करने वाली एजेंसी उनका नंबर कम हो रहा है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी, जब जंगल कम होंगे तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी कम होगा, अगर आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आपका क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है, ये जो इफेक्ट आ रहे हैं, इससे कहीं कहीं हमारी एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रही है, एनिमल हस्बेंड्री इफेक्ट हो रही है, इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, हेल्थ और हाइजीन इफेक्ट हो रहा है। तो ये जो डिग्रेडेशन हो रहा है कुल मिलाकर, और हैबिटाट जो वाइल्ड लाइफ का है वो भी कहीं कहीं डैमेज हो रहा है, वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। इससे क्या हो रहा है, वाइल्ड एनिमल को उनके नेचुरल हैबिटाट में प्रॉपर जो एक तरह से उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही है, तो वो कहाँ आ रहे हैं, वो नेचुरल हैबिटाट से बाहर भाग रहे हैं, कभी वो गाँव में आ रहे हैं, कभी शहर में आ रहे हैं, कभी खेतों में आ रहे हैं, और ह्यूमन वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये सारे इसके इफेक्ट हैं जो डिग्रेडेशन हो रहा है उसकी वजह से। तो अब इसको रोका कैसे जाए, हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ये कहती है हमारे देश में एवरेज 33% फॉरेस्ट होना चाहिए, यानी कि लगभग एक तिहाई हमारा फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, लेकिन इतना फॉरेस्ट कवर है नहीं। तो अब इसको अचीव कैसे किया जाए, तो इसके अचीव करने के 3-4 तरीके हैं। जो है उसका कंजर्वेशन किया जाए, जो है उसका प्रोटेक्शन किया जाए, फिर प्रोपेगेशन किया जाए, रेस्टोरेशन किया जाए, एक्सटेंशन किया जाए। ऐसे बहुत सारी जगह है जहां फॉरेस्ट नहीं है, हम वहां फॉरेस्ट उगा सकते हैं, रोड साइड प्लांटेशन है, रेलवे साइड प्लांटेशन है, हमारी जो वेस्ट लैंड पड़ी वो हम नए फॉरेस्ट उगा सकते हैं, और जो फॉरेस्ट बर्बाद हो गए हैं वो हम रेस्टोरेशन करें, और जो अभी भी अच्छी स्थिति में है उनका मैनेजमेंट बेटर करें। तो जो आपका रेस्टोरेशन, प्रोटेक्शन, प्रोपेगेशन, एक्सटेंशन, रेस्टोरेशन, सबको हम कंबाइंड करें और अकेले नहीं करें, हम जनता को साथ रखें। तो उसको कौन कर सकता है इस काम को, इस काम को हमारे जो डिफरेंट स्टेट है उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो कर ही रहे हैं, इसमें बहुत सारे एनजीओज को जुड़ना पड़ेगा, पंचायती राज जो हमारा डिपार्टमेंट उनको जुड़ना पड़ेगा, आम आदमी को जुड़ना पड़ेगा, किसानों को जुड़ना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, जनता को, आम आदमी को जरूर जोड़ना है। और यही हमारा जीएफएम का कंसेप्ट है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का कंसेप्ट यही कहता है कि हम सब, जो भी एजेंसी काम कर रही है वो एजेंसी जनता को साथ लें, और जनता के साथ मिलजुल कर हम इस काम को अंजाम देंगे, तो हम इस काम को कर सकते हैं।
अब इसको करेंगे कैसे? हम सब जुड़ ही गए, तो अब मेथड क्या है? अब बहुत सारे मेथड हैं। पहले तो हमें यह देखना कि इसके एक बेसिक्स को हमें समझना है कि हम क्या मेथड अडॉप्ट करें कि हम जो कुछ करें उसके रिजल्ट अच्छे आए, सर्वाइवल बेटर रहे, हमारी ग्रोथ है वो क्वालिटेटिव ग्रोथ मिले, चाहे हम चारागाह को अच्छा कर रहे हैं, रेस्टोर कर रहे हैं, चाहे हम फॉरेस्ट लैंड को रेस्टोर कर रहे हैं। तो क्या मेथड है? तो इसको हम इकोलॉजिकल मेथड से रेस्टोर करें। दो मैकेनिज्म है, दो स्ट्रीम है, एक तो मैकेनिकल स्ट्रीम, मैकेनिकल रेस्टोरेशन, और एक है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। मैकेनिकल रेस्टोरेशन क्या है? मैकेनिकल रेस्टोरेशन ये है कि हम इकोलॉजी का ज्ञान रखे बगैर हम जो मन में आया, जो स्पीसीज मिली, जो बीज मिला, जो नर्सरी में पौधा मिला, वही पौधा लगा दिया और किसी भी तरह लगा दिया, वो लगना चाहिए या नहीं, इकोलॉजिकली उस जगह के लिए सुटेबल है या नहीं, इन सब बातों का ध्यान रखे बगैर हम सिर्फ पौधा लगा रहे हैं कि टारगेट को पूरा कर रहे हैं कि हमें 10,000 लगाने, हमने 10,000 लगा दिए, हमारा सर्वाइवल ध्यान नहीं है। ये जो इस तरह की अप्रोच है, ये अप्रोच कहलाती है मैकेनिकल अप्रोच। लेकिन मैकेनिकल अप्रोच के खतरे बहुत हैं। सर्वाइवल कम आएगा, बायोडायवर्सिटी को हम मेंटेन नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव ग्रोथ हम नहीं ला सकते, तो हमको अपनी अप्रोच बदलनी पड़ेगी, और वो अप्रोच है इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, उसका नाम भी आप देखिए इकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। उनका कंसेप्ट ये है कि हम जो काम करें, हम किसी भी, चाहे फॉरेस्ट एक कॉमन है हम उसका रेस्टोरेशन करें, चाहे ग्रास लैंड एक हमारा कॉमन से उसका रेस्टोरेशन करें, या हम अपने खेतों में भी अगर रेस्टोरेशन कर रहे हैं, खेत डिग्रेड हो गए, खराब हो गए हैं, वेस्ट लैंड को भी हम रेस्टोर कर रहे हैं, हम इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स पे काम करें, परिस्थिति की विज्ञान के सिद्धांतों को हम ध्यान में रखकर काम करें, तो हमारे रिजल्ट बढ़िया रहेंगे, अच्छे रहेंगे। और ये सिद्धांत चार हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल चार हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है वो है कि जो कुछ भी लगाया जाए वो आप करेक्ट स्पीसीज लगाएं, एग्जोटिक स्पीसीज से बचना है। करेक्ट स्पीसीज वो है जो उस लोकल परिवेश में चल सके, क्योंकि किसी भी जगह बहुत सारे बायोफिजिकल फैक्टर होते हैं, और उन बायोफिजिकल फैक्टर में कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे प्लांटेशन को, हमारे सोइंग को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, इनको लिमिटिंग फैक्टर कहते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर वो कारक हैं, वो कॉजेज हैं जो हमारे सर्वाइवल को लिमिटेड कर देते हैं। तो लिमिटिंग फैक्टर का सामना करने के लिए करेक्ट स्पीसीज का सहारा चाहिए हमें। अगर हम करेक्ट स्पीसीज का सिलेक्शन कर लेंगे तो लिमिटिंग फैक्टर्स हमारे लगाए हुए पौधों को या बीजों के द्वारा उगाए पौधों को मार नहीं पाएंगे, और मारेंगे तो बहुत कम मार पाएंगे, हमारा सर्वाइवल बेटर रहेगा। तो पहला प्रिंसिपल है कि करेक्ट स्पीसीज का सिलेक्शन करिए। दूसरा प्रिंसिपल है करेक्ट स्पीसीज को करेक्ट जगह पर लगाइए, करेक्ट लोकेशन पर लगाइए। हम किसी भी पहाड़ पर, हमारे देखिए जो लैंड क्लासिफिकेशन है हमारे इंडिया का, उसमें 8 तरह के लैंड हैं। 1 से 4 तरह की जो लैंड है ये एग्रीकल्चर के लिए मानी गई है, और 5 से 8 ये है फॉरेस्ट्री के लिए। तो जो फॉरेस्ट्री के लिए, ट्री कवर के लिए, वेजिटेशन कवर के लिए जो 4 कैटेगरी है जमीन की, 5 से 8, वो प्लेन लैंड नहीं, वो स्लोपी है, किसी में कम स्लोप है, किसी में ज्यादा स्लोप है, किसी में और भी ज्यादा स्लोप है। तो स्लोपी लैंड है तो उसकी वजह से आप देखिए जो भी पानी बरसेगा, ऊपर का पानी नीचे आ जाता है रन ऑफ होके, तो ऊपर वाला हिस्से में कम पानी बचता है किसी भी स्लोपी लैंड में, बीच में थोड़ा और ज्यादा रहता है, और बॉटम में मॉइस्चर थोड़ी ज्यादा रहती है। इसका मतलब स्लोपी लैंड में बॉटम से लेकर टॉप तक एक जैसा मॉइस्चर का लेवल नहीं होता, एक जैसी मिट्टी की गहराई भी नहीं होती, एक जैसे फैक्टर्स भी नहीं होते, इसलिए ऊपर की तरफ कम पानी की डिमांड करने वाले पौधे लगेंगे, बॉटम की तरफ वो लगेंगे जिनको ज्यादा पानी चाहिए, नालों के किनारे किनारे वो लगेंगे जिनको और भी ज्यादा पानी चाहिए, और मिडिल स्लोप पे वो लगेंगे जिनको टॉप और बॉटम्स के बीच का कोई पानी का लेवल चाहिए। यानी डिफरेंट जोन है, किसी भी स्लोपी जमीन में, किसी भी ढालू जमीन में डिफरेंट जोन होते हैं, 4 जोन हो सकते हैं, 5 जोन हो सकते हैं, 2 जोन हो सकते हैं, 3 जोन हो सकते हैं, यानी हमें जो पौधे लगाने हैं वो जोन के हिसाब से लगाने हैं। जिन स्पीसीज को कम पानी चाहिए वो टॉप की तरफ लगानी है, जिन स्पीसीज को ज्यादा पानी चाहिए बॉटम की तरफ लगानी है, जिन स्पीसीज को और भी ज्यादा पानी चाहिए वो नाले के किनारे किनारे लगानी चाहिए। अगर इस तरह से हम देखें तो हिल्स पे क्या पैटर्न बनता है, एक एवरेज हिल का पैटर्न। ऊपर क्या आएगा? ऊपर सालर बॉसविलिया सेरेटा, गोदल लेनिया कोरोमंडेलिका, कड़ाया स्ट्रिपलिया यूरेन्स, यूफोर्बिया थूर वगैरह, ये ऐसी स्पीसीज है जिनको कम पानी चाहिए, ये सबसे टॉप की तरफ जाएंगी। जबकि मिडिल स्लोप पे कौन आएगा? देखिए अगर हम एक एवरेज डेसिड्यूस
फॉरेस्ट का एक हिसाब किताब देखें तो वहां आपका राइटिया टिंक्टोरिया फिर नहीं आएगी, राइटिया टोमेंटोसा फिर ना आएगा, आपका एम्बलिका ऑफिसाइनलिस जिसको हम कहते हैं आंवला, आंवला आ जाएगा। ये जो ऐसे स्पेसिफिक आपका अकेशिया कटेचू जिसको हम खैर कहते हैं, अकेशिया ल्यूकोफिलोया रौंज है, ये इस तरह की स्पीसीज जिनको थोड़ा सा ज्यादा पानी से टॉप के वालों की बजाय ये लगेंगी। बॉटम की तरफ देखिए कौन सी स्पीसीज लगेंगी जिनको और भी ज्यादा पानी चाहिए, आपका करंज पोंगिया पिनेटा लगेगा, महुआ मधुका इंडिका ये स्पीसीज लगेगी, आपका जो है देसी बबूल अकेशिया निलोटिका ये लग जाएगा, पीपल पीपल आपका फाइकस बंगाल रिलीजियोसा, बरगद फाइकस रिलीजियोसा, ये स्पीसीज जो कि थोड़े और भी ज्यादा पानी चाहती हैं, और नदी नाले किनारे उनको लगाना है जिनको और भी ज्यादा पानी की जरूरत है, जिस तरह आपका खजूर फिनिक्स सिल्वेस्ट्रिस है, गुलर फाइकस ग्लोमेरेटा है, अर्जुन आपका टर्मिनेलिया अर्जुना है, तो इस तरह की जो स्पीसीज हैं जिनको और भी ज्यादा पानी चाहिए, ये यानी कि प्रॉपर जोन में लगाना चाहिए, हर स्पीसीज का अपना एक जोन है। तो दूसरा प्रिंसिपल है वो है आपका करेक्ट जोनेशन, और तीसरा नियम है वो है करेक्ट टाइमिंग पे लगाना चाहिए। हमारे पास जो वर्षा का सीजन है, वर्षा का सीजन भी है और ग्रोइंग सीजन भी है, तो अगर इस पूरे ग्रोइंग सीजन को हम चार भागों में बांट दें, आमतौर पे कहीं एक ग्रोइंग सीजन 60 दिन का है जैसे जैसलमेर में, कई जगह 90 से 100 दिन का है जैसे उदयपुर में, कई जगह 120 से 130 दिन का है जैसे सेंट्रल इंडिया में, साउथ इंडिया और केरला की तरफ चले जाए तो 150 170 दिन से ऊपर भी ये चला जाता है। तो डिफरेंट इलाके में ग्रोइंग से उड़ीसा में और भी बड़ा है, असम में और भी बड़ा है। तो ये जो ग्रोइंग सीजन है, इस ग्रोइंग सीजन को हम चार भागों में बांट देते हैं। तो जो पहला पहला 1/4 पीरियड है यानी कि ग्रोइंग सीजन का शुरुआती दौर, उस शुरुआती दौर में प्लांटिंग सोइंग पूरा हो जाना चाहिए ताकि पीछे के 3 हिस्से, ग्रोइंग सीजन का 75% पीछे वाला हिस्सा रूट की ग्रोथ के लिए और शूट की ग्रोथ के लिए बच जाए। कई बार लोग क्या करते हैं, कई प्रॉब्लम की वजह से पौधे नहीं आए, लेबर नहीं मिली, और पहला जो क्वार्टर पीरियड है ग्रोइंग सीजन का वो निकल जाता है, और कहीं कहीं 1 2 महीने के बाद में प्लांटिंग करते हैं तो पीछे और कम टाइम बच जाता है, कई लोग तो और भी लेट कर देते हैं। जितना हम प्लांटिंग को लेट करेंगे ग्रोइंग सीजन का थोड़ा हिस्सा बचेगा, तो प्लांट ग्रोथ कब करेगा, अपनी रूट को लंबाई में कब वो कब बढ़ाएगा, उसके बाद पीरियड ही नहीं बचा, क्योंकि वर्षा का ग्रोइंग पीरियड खत्म होते ही हमारे यहाँ डोरमेंट पीरियड आता है क्योंकि सर्दी आ जाती है, और सर्दी में लो टेम्परेचर होते ही सर्दी लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है और रूट की ग्रोथ को शूट की ग्रोथ को नहीं होने देती है, प्लांट स्टेग्नेट कर जाता है, प्लांट डोरमेंट हो जाता है, नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपका जुलाई, अगर यहां वाले किसी जगह जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ही है रेनी सीजन, तो आप जुलाई का पहला 2 3 वीक ही प्लांटिंग कर लीजिए। कई बार क्या करते हैं, गड्ढे टाइम पे नहीं खोदते तो गड्ढे साथ खोदते हैं और फिर प्लांटिंग करते हैं, इसकी वजह से लेबर हमारी वेस्ट चली जाती है। हम गड्ढे पहले खोद के तैयार रखें वर्षा आने से पहले, ताकि वर्षा आने पर 100% लेबर प्लांटिंग पे लग जाए और छोटे से छोटे पीरियड में प्लांटिंग हो जाए, और ये प्लांटिंग तो ये है हमारा करेक्ट टाइमिंग। और अगर प्री मानसून अच्छा हो रहा है, जून में हो रहा है, तो उसको भी यूज कर लीजिए, प्री मानसून को यूज कर सकते हैं और हम पौधों को लगा सकते हैं। इस तरह से प्री मानसून में या जुलाई के पहले 1 वीक में हम प्लांटिंग करते हैं, ये हमारा अर्ली प्लांटिंग है, ये हमारा एडवांस प्लांटिंग है, और अगर हम 2 3 वीक तक करते हैं जुलाई में, ये हमारा ठीक ठाक प्लांटिंग है, इसके बाद वाला प्लांटिंग लेट प्लांटिंग है, और लेट प्लांटिंग इज नो प्लांटिंग, यानी कि उसके रिजल्ट बहुत पुअर रहेंगे। इसलिए प्री मानसून और मानसून पीरियड का पहला 2 3 वीक ये बेस्ट पीरियड है। और चौथा प्रिंसिपल है वो है आपका, उसको हम कहते हैं करेक्ट मेथड, सही मेथड से पॉलिथीन थैली को हटा के लगाना चाहिए। लोग पॉलिथीन थैली को जब हटाते हैं तो हाथ का उपयोग करते हैं, नहीं, ब्लेड से काटिए, ब्लेड से काटने से सीड बॉल जो अपना बॉल है, अर्थ बॉल है, वो अर्थ बॉल नहीं टूटेगा, क्योंकि बॉल को टूटने पर रूट सतीश हेयर टूट सर, जाते हैं। सतीश सर जस्ट अमृत, बाकी लोगों को सुनाई दे रहा है ना? कुछ लोग चैट में लिखे हैं कि नॉट ऑडिबल। ओके ओके, थैंक यू सर, वी कैन कंटिन्यू ठीक टिल है, दिस, हमारे पास 5 मिनट अभी और है। अर्थ बॉल नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि अगर हम हाथ से थैली को फाड़ेंगे तो अर्थ बॉल में टूटता, अर्थ बॉल टूटेगा तो रूट हेयर टूटते हैं,
रूट का डैमेज की चिंता ना करें, रूट हेयर के डैमेज की चिंता करें, क्योंकि वो यूनिसेलुलर है, बहुत सॉफ्ट होता है और वही पानी को एब्जॉर्ब करता है। रूट हेयर टूट जाएंगे तो पौधा कब ग्रोथ करेगा? इसलिए बॉल को नहीं टूटने दें। लोगों को क्या करें, 1 मीटर सफेद धागा दे दें, उसमें पूरी फुल ब्लेड उसको दे दें, ब्लेड को एक माला की तरह वो गले में पहन कर रखे, दोनों हाथों को फ्री रखे। इससे क्या होगा, ब्लेड जो खो जाती है फील्ड में, वो ब्लेड नहीं खोएगी। थैली को हटाने के बाद में पौधे को सीधा लगाएं, मिट्टी को वापस भरें। जब मिट्टी वापस रिफिल कर रहे हैं गड्ढे में, तो गड्ढे के अंदर पत्थर वगैरह घास वगैरह नहीं जाने चाहिए, सिर्फ मिट्टी जानी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि पानी की कमी है, वर्षा की कमी है, तो एक बड़ा टब, चौड़ा टब रख लें, पानी वहीं आसपास मिल जाएगा, किसी सड़क के किनारे गड्ढे मिल जाएगा, वहां थैलियों को थोड़ी देर भिगो लें, ड्रेंचिंग कहते हैं इसको, ताकि पूरी थैली अधिकतम पानी, जो मिट्टी है अधिकतम पानी पी ले। हवा के जो बुलबुले हैं वो सब जब निकलना बंद हो जाए, आप समझ लीजिए कि अर्थ बॉल में खूब सारा पानी पी लिया है, इसको ड्रेंचिंग कहते हैं। अगर ड्रेंचिंग करके आप पौधा लगाएंगे तो अगले 3 वीक भी अगर वर्षा नहीं आएगी, पौधे का कोई नुकसान नहीं होगा, पौधा नहीं मरेगा। इसलिए वर्षा के इंतजार में बैठे मत रहिए, इसकी वजह से आपका ग्रोइंग सीजन का बहुत लॉस हो जाता है। थैली को भिगो कर आप प्लांटिंग कर दीजिए, इससे आपका पौधा बेटर सर्वाइवल करेगा। और पौधा लगाते ही, स्लोपी लैंड है तो क्रिसेंट थावला जरूर बनाइए नीचे की तरफ, अर्ध चंद्राकार, सेमी ल्यूनर, जैसा महिलाएं गले में हार पहनती हैं, हार जैसा एक पौधे के नीचे वाले डाउन स्लोप में आपको थावला बनाना है, क्रिसेंट बनाना है। इस क्रिसेंट पर 3 डिफरेंट स्पीसीज के बीज बो दीजिए, वो बीज ध्यान रहे जो जोन है उस जोन वाले बीज बोइए। टॉप में क्रीसेंट है तो टॉप के बीज लगेंगे, मिडिल में क्रीसेंट बनाया तो वो बीज लगेंगे, नीचे बॉटम में है तो वो बीज बनेंगे जो बॉटम में चल सकते हैं। इस तरह 1+3 टेक्निक से आप पौधे को लगाइए, एक पौधा पिट में है और 3 बीज आपके क्रीसेंट थावले पे हैं, चारों में कोई तो चलेगा, हो सकता है चारों चल जाएं, हो सकता है 3 चलें, हो सकता है 2 चलें, हो सकता है 1 चलें। 1 साल के बाद में जो सबसे बेटर चल रहा है, लीडिंग ग्रोथ जिसकी है, उसको रिटेन कर लीजिए, बाकी को हटा दीजिए ताकि कंपटीशन कम हो जाए। इस तरह आपका सेकेंड ईयर में जो कैजुअलिटी रिप्लेसमेंट का खर्चा है वो आपका कम से कम रहेगा। तो इस तरह ये बेस्ट जो मेथड है, तो इन 4 प्रिंसिपल को आप करके आगे करेंगे, इकोलॉजिकल आप प्लांटिंग करेंगे तो आपका पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अब ये जो रीवेजिटेशन में बहुत सारी टेक्निक है, इनमें और भी इश्यूज हैं, जैसे अगर चराई कंट्रोल नहीं हो रही है तो आप कोई भी फेंसिंग कर दीजिए। कई लोग कांटेदार फेंसिंग करते हैं, कई लोग बार्ड वायर फेंसिंग करते हैं, कई लोग डिक फेंसिंग करते हैं, सीपीडी बनाते हैं, कई लोग लाइव हेज फेंसिंग करते हैं। लाइव हेज फेंसिंग में आप फूर लगा लीजिए, रतन जोत लगा लीजिए, करौंदा लगा लीजिए, अब कई लोग अकेशिया सेनेगल कुमठा लगाते हैं जहां कम पानी है, कई लोग अकेशिया निलोटिका लगाते हैं। जिस जोन में जो पॉसिबल है, जो स्पीसीज अच्छा रिजल्ट दे सकती है, उस स्पीसीज की आप फेंसिंग कर दीजिए, ताकि अंदर बाहर से जो चरने वाले कैटल हैं अंदर नहीं जाएं। कई लोग एडवांस क्लोजर करते हैं, यानी फेंसिंग 2 साल पहले कर देते हैं, 2 साल पहले फेंसिंग करने के बाद में प्लांटिंग 2 साल बाद करते हैं। फायदा क्या है, जो सप्रेस्ड ट्रीज हैं, सप्रेस्ड पौधे हैं, सीडलिंग छोटे हैं, चराई ट्रेम्पलिंग की वजह से खराब हो रहे हैं, वो सब ग्रो करने लग जाते हैं, और जब ग्रो करते हैं तो हमें कम प्लांट लगाने पड़ेंगे, कम गड्ढे लगाने पड़ेंगे, हमारा खर्चा घट जाता है, यानी हमने नेचुरल रीजनरेशन को सपोर्ट कर दिया और फिर हम पौधे लगाते हैं। एक असिस्टेंट नेचुरल रीजनरेशन है, असिस्टेंट नेचुरल रीजनरेशन में क्या होते हैं, ये करते हैं कि हम नेचर अपना जो रीजनरेशन कर रही है, अगर कुछ कमी है तो हम कुछ बीज और ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जो नेचुरली उगे हुए पौधे हैं जिनको हम वाइल्डलिंग कहते हैं, वाइल्डलिंग का थावला बना देते हैं। अगर कोई आरईटी स्पीसीज है, आरईटी का मतलब आर रेयर, ई एंडेंजर्ड, टी थ्रेटेंड, ऐसी रेयर एंडेंजर्ड और थ्रेटेंड स्पीसीज के पौधे अपने आप उगे हैं, उनके थावला बना सकते हैं, उनके ट्री गार्ड बना सकते हैं, वहीं लोकली कोई कांटेदार बुश काट के, ताकि वो स्पेशल प्लांट है उनको हम बचा दें। कुछ ट्रेंच भी कर सकते हैं, कुछ चेकडेमिंग भी कर सकते हैं ताकि मॉइस्चर बढ़ जाए। इसमें प्लांटिंग पे ज्यादा ध्यान नहीं है, हम प्लांटिंग नहीं कर रहे हैं, गड्ढे नहीं खोद रहे हैं, सिर्फ हम बीज बो रहे हैं, थोड़ा नेचुरल जो मॉइस्चर है उसका कंजर्व कर रहे हैं, सोयल का कंजर्वेशन कर रहे हैं, और थोड़े बहुत पौधे भी लगा सकते हैं। खासतौर अगर लगाएं तो बनियन ट्री और पीपल, ऐसे जो मल्टीपर्पज ट्रीज हैं, जो अम्ब्रेला ट्रीज हैं, ऐसों को लगाएं ताकि उसमें हैबिटाट की क्वालिटी इंप्रूव हो जाए, तो एडवांस क्लोजर कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये देखना है
गड्ढे टाइम लिस्ट में हो जाए, ये देख लें गड्ढे कितने खुदेंगे, ऑलरेडी नेचुरल स्टॉक कितना है, नेचुरल स्टॉक है और बीच में जहां जहां गैप है उन गैप में गड्ढे खोदिए। ट्री से ट्री का डिस्टेंस 5x5 मीटर रखिए, यानी ट्री से ट्री 5 मीटर, लाइन से लाइन 5 मीटर। अगर बुश लगा रहे हैं जैसे कि बेम्बू बांस, तो आपका डिस्टेंस 3x3 मीटर का होना चाहिए। तो ट्री के लिए, और बहुत बड़ी साइज वाले ट्री हैं जैसे बरगद है, बनियन, पीपल है, महुआ है, ये बड़े, बड़ा इनका एक्सपांशन, क्राउन बड़ा एक्सपांशन होता है, तो आप 5x5 मीटर से डिस्टेंस बढ़ाकर 7 भी कर सकते हैं, 7 मीटर कर सकते हैं, 10 मीटर कर सकते हैं, यानी जो स्पीसीज है उस स्पीसीज के अकॉर्डिंग आपके गड्ढों का अलाइनमेंट होना चाहिए। लेबर मनमाने ढंग से गड्ढे खोद देती है, तो गड्ढे खोदने के लिए आप वहां थोड़ा कोई निशान लगा दीजिए, इसको कहते हैं डॉग बेलिंग, तो डॉग बेलिंग कर दीजिए ताकि गड्ढा गलत जगह नहीं खुदे। पहले से कोई ट्री है, ट्री के नीचे गड्ढा नहीं खोदे, ट्री के नीचे पौधा कैसे चलेगा, क्योंकि ट्री के नीचे लगाने से छाया रहेगी, पौधे को लाइट कम मिलेगी। यही कारण है कि रियल में जो ओपन पैचेज है आप गड्ढे वहीं पर लगाइए। ये सब मैं उन बातों बात कर रहा हूँ जो करेक्ट मेथड है, ये सब करेक्ट मेथड में आती है। बीज अगर बोना है कई तरह से बीज बो सकते हैं। बस आपके पास 2 और मिनट है सर, ठीक तो है, 2 मिनट में ठीक कंप्लीट। है, आप बीजों को बिखेर सकते हैं, बीजों के सीड बाल बना के उनको बिखेर सकते हैं, यानी सीड बाल ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, सीड ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। बीज को या बॉल को आप कहीं मिट्टी थोड़ा सा नरम करके मिट्टी में दबा कर सकते हैं, इसको कहते हैं नोचिंग। आप बुशेज के अंदर भी आप एक होलो पाइप से बीज को बो सकते हैं, इसको कहते हैं होलो पाइप बुश सोइंग। आप क्रिविस में भी बीज का सोइंग कर सकते हैं, आप घास के बीज बो सकते हैं, घास के छोटे छोटे पौधे भी लगा सकते हैं जिसको स्लिप प्लांटिंग कहते हैं। ये सब करने के अलावा पिट का मैंने बताया, पिट में जो पौधा लगाए आप वो अच्छे पौधे होने चाहिए, क्वालिटी सीडलिंग होने चाहिए। कभी भी 45 सेंटीमीटर से 1.5 फुट से छोटा पौधा ना लगाएं, उस पौधे को लेके आए नर्सरी से जिसका हार्डनिंग हो गया है, और आपके जोनेशन के हिसाब से आप वहां नर्सरी से पौधे लेके आए, और सही जोन में सही पौधा लगना चाहिए। पौधा लगने के बाद क्रिसेंट बनना चाहिए, क्रिसेंट बन जाने के बाद में खरपतवार बहुत उग जाते हैं। आप जब मिट्टी गीली हो वीडिंग करें, खरपतवार करें, खरपतवार को तोड़ के नहीं निकालना है, जड़ से निकालना है। जड़ से तभी निकाल सकते हैं जब मिट्टी गीली होगी, और जब रेन जाने लगे, मिट्टी थोड़ी हार्ड होने लगे थावले की, क्रिसेंट की, उस समय मिट्टी को थोड़ा गेंती से, कुदाली से, खुरपी से उसको लूज कर दें, नरम कर दें, कैपिलरीज को तोड़ दें, इसको कहते हैं होइंग, होइंग कर दें। इस तरह होइंग सूखे में होगा, वीडिंग गीली मिट्टी में होगा। तो वीडिंग और होइंग आप रेनी सीजन में दोनों का आप कर दें, इससे पौधे की ग्रोथ बेटर होगी। प्रोटेक्शन पूरा करना है, और प्रोटेक्शन का अच्छा प्रोटेक्शन तभी होगा जब हम लोगों को अपने साथ रखेंगे। लोगों को जो भी उनकी एक विलेज कमेटी है वो हम बनाएंगे, लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लोगों को अपने साथ रखेंगे तो वो प्रोटेक्शन करेंगे। इस तरह से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली हम एक अच्छे सर्वाइव वाला प्लांटेशन दे सकते हैं, हम एक अच्छा चारागाह बना सकते हैं। चारागाह बनाना है तो ध्यान रखें आपके क्लाइमेक्स ग्रास का ही सीड बोना है, ये नहीं जो मन में आया उस घास के बीज बो दिए। एफईएस के जो ज्यादातर एरिया हैं वहां 2 घास के बीज बोए जाने बहुत जरूरी हैं। एक है सेहिमा नर्वोसम जिसको सेरन कहते हैं, और दूसरी घास है डाइकेंथम एनुलेटम करड़। इन 2 घासों के बीच जरूर मिक्स कर आपको करना है, बाकी लोकल घास आप करते रहिए, क्योंकि ये क्लाइमेक्स ग्रास है, इन घासों के बीज भी बो सकते हैं, और इनके पौधे जिनको स्लिप कहते हैं, ग्रास स्लिप भी आप लगा सकते हैं। इस तरह से प्लांटेशन और चारागाह को हम रेस्टोर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे पास 4 पैनल हैं, ये 4 पैनल उन्होंने अपना थैंक यू शर्मा सर, दिस डिस्कशंस आर रियली वेरी इंसाइटफुल, एंड आपने काफी कम ही समय में पूरे रिवेजिटेशन टेक्निक को, मेथड को समराइज कर दिया है, और इट्स ऑलवेज अमेजिंग एंड टू हियर यू। जितनी भी बार आपको सुनते हैं तो एक नई चीज, नया 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 चीजें पता चलती है, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स इन वेरी नटशेल फॉर्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। टू फर्दर एंड दिस डिस्कशन, आज हमारे साथ शर्मा सर के साथ साथ कम्युनिटी से और संस्था में विभिन्न राज्यों में काम कर रहे लोग भी हमारे साथ उनके अनुभवों को साझा करने के लिए जुड़े हुए हैं।
तो वो लोग अपने अनुभवों को और अपने प्रयासों को हमारे साथ साझा करेंगे, और इन डिस्कशंस को डॉक्टर सतीश शर्मा के साथ साथ मेरी सहयोगी सहाना मॉडरेट करेंगी। इन चर्चाओं के बाद हम Q&A सेशन भी रखेंगे, जहां आप हमारे साथियों से, डॉक्टर सतीश शर्मा से थीम के अराउंड बात कर सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और पैनल डिस्कशन के बाद हमारे साथी और डॉक्टर सतीश शर्मा सर आपके सवालों का जवाब देंगे। तो डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि रिवेजिटेशन में जो सबसे बड़ी समस्या होती है कि उत्तम या अच्छी प्रजाति के स्वस्थ पौधे नहीं मिल पाते हैं, या अच्छे क्वालिटी के बीज उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। जो जिस तरह के पौधे या बीज हमको हमारे स्थान पर या उस लोकेशन पे लगाने के लिए चाहिए, वो नर्सरी में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी पर आगे बात करने के लिए मैं राजस्थान इसी पर आगे बात करने के लिए राजस्थान से हमारे साथी आशा जी और श्रेया को बुलाना चाहूंगी, जो घास और वृक्ष की जो लोकल प्रजातियां हैं उनका समुदाय के द्वारा और गांव के लोगों के द्वारा किस प्रकार बीज संग्रहण पर वो किस प्रकार बीज संग्रहण किया जा रहा है, उस पर प्रकाश डालेंगे और बात करेंगे कि अच्छे बीजों की कमी से जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने किस प्रकार प्रयास किए, जिसके परिणाम में उनको काफी सफलता मिली है। तो मैं आशा जी और श्रेया को अभी आमंत्रित करना चाहूंगी। थैंक यू हिमानी मैम। नमस्ते सभी को, मेरा नाम श्रेया है। मैं गोगुंदा उदयपुर टीम के साथ FES के साथ काम कर रही हूँ। हमें ये जो मौका मिला है कि हम अपने एफर्ट्स को, हमारे हमें जो अपॉर्चुनिटीज मिली थी उसको यहाँ पे प्रदर्शित कर सकें, उसके लिए थैंक यू। तो हमारे एफर्ट्स को या हमारे जो प्रोसेसेस है उसको बताने से पहले एक छोटा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं हम अबाउट हमारे जो एरिया है उसके बारे में, ताकि जो एफर्ट्स हैं वो किस तरह से और किस किन कठिनाइयों के साथ किया गया है उसका एक आइडिया लग सके। तो ये जो एरिया है जहाँ से घास बीज और वृक्ष के बीज एकत्रित किए गए हैं, वो एरिया मेनली गोगुंदा, सायरा और झाड़ोल और फलासिया के रीजन में आता है। ये ब्लॉक्स अरावली में, अरावली के फुटहिल्स पे स्थित हैं, जो कुंभलगढ़ सेंचुरी और फुलवारी किनार सेंचुरी से घिरा हुआ है। इन एरियाज में मेनली अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसमें गमैती, गरासिया और मीणा कम्युनिटी ज़्यादा डोमिनेंट है। ऑल्सो अगर हम इनके ऑक्यूपेशन की बात करें तो, क्योंकि शर्मा सर ने बताया कि ढलानी क्षेत्र में कितना वाटर रन ऑफ और उसके कारण कितना डिग्रेडेशन होता है, तो यहाँ एग्रीकल्चर का लैंड तो काफ़ी, लैंड होल्डिंग काफ़ी कम है, जिसके कारण लोग मेजरली फॉरेस्ट, ये जो फुलवारी किनाल सेंचुरी है और कुंभलगढ़ सेंचुरी से घिरा जो फॉरेस्ट है, उसके आसपास जितने फॉरेस्ट हैं उसके ऊपर मेनली ये जो कम्युनिटीज हैं वो डिपेंडेंट है। तो वहाँ से ये मेजरली NTFP जो वन उत्पादक उत्पादन होते हैं उस उन चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंडेंट होती है, जिसमें हम अगर एग्जांपल दे तो कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल और भी अन्य बीजों के प्रकार पे ये डिपेंडेंट है। तो अगर अब हम अपने टॉपिक पे आना चाहते हैं कि हम अगर बीजों के प्रकार की बात करें, तो पिछले कई सालों से इस एरिया में, एक्चुअली राजस्थान एज एन एरिया में ही बीज संग्रहण पे बहुत काम किया गया है, बट अभी 2 साल से वृक्ष बीज संग्रहण पे काम किया गया है एक्चुअली, बट अभी 2 सालों से निरंतर एफर्ट्स से ये सामने आया था कि ग्रास, घास का बीज भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ढलानी क्षेत्रों में डिग्रेडेशन होता है तो वहां पे उस सॉइल को रोकने के लिए, उसका मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाने के लिए फोडर या फिर घास बोल सकते हैं, उसका होना कितना जरूरी है वो सभी को पता है। तो उसको बढ़ाने के लिए उसका बीज होना कितना जरूरी है और उसके बीज का मिलना कितना मुश्किल है, वो हमारी कम्युनिटीज आपको, कम्युनिटी से आए मेंबर्स आपको बताएंगे। मैं बस एक
ये बताना चाहती हूँ कि 2 सालों में 10,000 किलो से भी ज्यादा घास बीज इन्होंने इकट्ठे किए हैं और 50 से ज्यादा SHGs ने इनका साथ दिया है और 250 से ज्यादा लोकल कम्युनिटीज ने साथ में आके ये 10,000 किलो बीज घास बीज का संग्रहण किया है। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगे हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आई हैं, लोगों का विश्वास नहीं करना और उसके बाद कैसे उनका विश्वास दिलाना उस प्रोसेस पे, वो भी एक मेजर चैलेंज था। तो अब इन सब के बारे में हमें आशा जी और उस गांव से आए हमारे कुछ साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वो बताएंगे। तो ओवर टू यू आशा जी। नमस्कार सभी को। जैसे कि अभी हमारे साथी जो श्रेया है, उन्होंने थोड़ा जो राजस्थान के उदयपुर जिले के जो अरावली क्षेत्र में हम जो FPS द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, उसमें कैसे हमने घास इकट्ठा किया है और क्या हमें उसका उपलब्धि या समस्या आई है, उसके बारे में हमारे साथी हैं रेखा गराशिया, वो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, वो आपको थोड़ा शेयर करेंगे उनका अपना अनुभव। मेरा नाम है रेखा गरसिया, गांव कुंडलावा, जिला उधमसिंह नगर, राजस्थान, और मैं क्या हूँ और कैसे घास बीज एकत्र किए उनके बारे में थोड़ा बताऊंगी। जो बीज एकत्र करने का घास बीज एकत्र करने की प्रशिक्षण मिला APS से द्वारा, उसी से बीज एकत्र किया गया जो हमने समूह की महिलाओं से एकत्रित करवाया। समिति के गांव समिति की सदस्यों समूह सदस्यों को जो हमने एकत्रित करवाए कि गांव कैसे एकत्रित करवा करके गांव वालों ने बताया कि कैसे एकत्र घास बीज करेंगे। जब तो ऐसे लगे घास बीज कैसे एकत्र करेंगे, जो फिर बाद में उसने घास बीज एकत्र करवाया। हमने घास बीज एकत्र करवाया कि कैसे घास बीज एकत्र करेंगे, जो जो इनके समस्या आई घास बीज एकत्र होता कैसे उसे समझ में नहीं आया। तो इनने बताया कि घास बीज एकत्र करना है, घास बीज कैसे मिलेंगे और कौन खरीदेंगे, ऐसे बोला समूह की महिलाओं ने। हमारे जो साथी हैं रेखा, वो बता रही है कि जैसे कि हमने तो घास सीड कैसे इकट्ठा करना है उसके बारे में हमें FPS से जो ट्रेनिंग मिला था, उसके अनुसार हमने गांव की समिति और SHG मेंबर्स को हमने थोड़ा उनको बताया, ट्रेनिंग दिया, और उसके साथ साथ फिर उसको एकत्रित जब महिलाएं कर रही थी उस समय ये खुद भी मतलब इकट्ठा किया तो कैसे करना है, तो साथ में गए और एकत्रित किया है। तो उस समय मतलब जैसे ही चर्चा में लिया तब मतलब गांव समिति के सदस्य और जो महिलाएं जुड़ी थी उन्होंने मतलब ये बोला कि क्या कभी घास सीड इकट्ठा होता है क्या, उसको कैसे करेंगे और उसको मतलब कौन खरीदता है, ये भी कोई बिकता है क्या, और इसको मतलब कैसे हम लेंगे बोरे में या हम कपड़े में कैसे उसको एकत्रित करेंगे, ये सब उनके सवाल थे और उनकी मतलब उनको अजीब लग रहा था, तो एक मजाक जैसा उनको लग रहा था कि ऐसा कोई मतलब हो सकता है क्या कि आज दिन तो किसी ने घास भी इकट्ठा ही नहीं किया है, तो वो सब ये रेखा बताना चाह रही है। और तो ये इनके सामने चुनौतियां थी और एक अजीब जैसा था, तो इन्होंने लगा कि नहीं हम मतलब इसको इकट्ठा करेंगे और इसको जो हमें मतलब बताया गया है उसके अनुसार हम उसको इकट्ठा करके और हमारे जो समितियां हैं ये हमारे जो
हमें जो मतलब वन विभाग से जो रेट दर है उसके माध्यम से खरीदा जाएगा, और फिर हम जो समिति खरीदेगी और प्लस उसको जो बिल के लाएंगे उनको पैसा मिलेगा, ये उनको कन्विंस किया। उसके बाद में उनको विश्वास आया, और जैसे ही हमने फर्स्ट साल में जब एकत्रित किया था तो बहुत कम मात्रा में हुआ था, जैसे 8,500 समथिंग हुआ था, तो उस समय फिर लगा कि नहीं, इससे तो हमें पैसा भी मिला और हमारा बीज भी इकट्ठा हुआ और हमारे जो भी चरागाह थी उसमें हमने लगाया तो काफी अच्छा होगा और उससे मतलब उनको बेनिफिट हुआ। तो वो देखिए फिर अभी इस साल में जैसे ही उन्होंने सारा 11,500 के करीबन इकट्ठा किया है और 2.5-3 लाख के पैसों का उनका आय हुआ है, ये 350 जैसे मेंबर हमारे जुड़े उसको एकत्रित करने में, तो ये काफी मतलब सक्सेसफुल रहा है। और जैसे कि हमारे बेचने की जो बात कर रहे हैं या जो बाजार की बात कर रहे हैं, तो हमें हमारी जो टीमें हैं FPS की जो अदर्स जिलों में, वहाँ में 3 से 4 जिलों में जो टीमें हैं वहाँ पे सेल किया था, प्लस हमें वन विभाग को भी शेयर किया, उनको भी दिया है। तो उस तरह से मतलब काफी मतलब उनका रेस्पॉन्स था कि और भी हमें घास चाहिए, और भी चाहिए, तो डिवाइंड और अदर्स NGO से भी आना शुरू हुआ हमारे पास, अदर्स पंचायत से भी आना हुआ, लेकिन हमारे पास था वो करीब करीब हम मतलब दे चुके, और कुछ हमने हमारे लिए भी रखा है कि हम एक जिस अरावली की क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं उस लैंडस्केप में हम ये चाहते हैं कि जहाँ पे हमारा डिग्रेडर जो एरिया है या जो हमारे पाचा लैंड है उसमें हम उसको और भी ज्यादा से ज्यादा कैसे उसको उगा पाए और उसको एक जैसे पशुपालन को भी अच्छे से मतलब कर पाए, उसमें हमारा मतलब मदद हो पाए, उसके लिए ये हम उसको कर रहे हैं। और हमने मतलब उसको हमारे लिए जो रखा वो गए साल में भी हमने बोया उसको अच्छे से, तो काफी उसका रिजल्ट मतलब 100% मतलब सर्वाइवल रहा है। हमने कोशिश किया था कि हम जैसे सर सतीश सर बता रहे थे कि हेरन जो अच्छा है, करड़ है, पर हमारे इस क्षेत्र में करड़ बहुत कम मिलती है, कम है, और शहरन है, लेकिन शहरन क्या हो कि जल्दी एकदम पकती है और उसको इकट्ठे करने का समय हमारे पास में शायद नहीं था, तो हमें काली लाख इकट्ठा किया, और काली लाख है जो भी एक पौष्टिक घास है पशुओं के लिए और अच्छी सर्वाइवल है, पर समस्या यह है कि उसको लेने में पूरा दिक्कत होता है, उसके कांटे जैसे मतलब होता है तो हाथ में घुस जाती है, फिर उसको लेने के लिए मतलब अलग से लकड़ी के सहारे उसको इकट्ठा करना है, गुच्छा बन जाता है तो उसको खोलना है, फिर उसको पैक करना है, तो वो सब समस्या मतलब रहती है। तो भी काफी मतलब महिलाओं को हाथ में मतलब चुभा भी है, तो हमने उनको बोला कि आप कपड़ा जैसे टाइट वाला कट्टा है जैसे हाथ में रख के और लकड़ी के सहारे से उसको करके करे, तो काफी मतलब अच्छे से इस बार उन्होंने किया। जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि इसका जो सर्वेवल है वो सर्वेबल कैसा है, तो इसको उगाने का जो तरीका है काली लाख को, वो हमने उसको क्या कि हम जैसे कि सीड बॉल बोलते हैं, तो वो हमने कोशिश किया कि बनाने का, लेकिन वो नहीं होता है क्योंकि उसमें बाल रहते हैं और कांटे लंबा रहता है, तो वो हो नहीं पाता है और हाथ में चुभता है, तो फिर हमने देखा कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करेंगे, तो हमने उसको तार की जैसे चौड़ा करते गए और जहाँ पे हमारा ट्रेंच था उसमें हमने कुदाली से पूरा उसको खोद दिया हल्का हल्का और उसके अंदर में बिछा दिया, और बिछाते गए और उसकी साइज का हल्का हल्का मिट्टी उसके ऊपर में चढ़ाते गए और फिर उसको लगाया, और जो हमारा जो फर्स्ट मानसून आता है, मानसून की जो बारिश होती है उसी तरह उसी दौरान हमें उसको लगाना होता है, तो अच्छे से वो सर्वेबल मतलब हो पाता है, और मतलब उसका रिजल्ट मतलब जो हमें मिला वो बहुत अच्छा रहा इस तरह का। तो ये काफी मतलब ग्रास सीड का यहाँ मांग भी है, दूसरा इसके साथ साथ में जैसे हमारे ट्री सीड है वो भी हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, और ट्री सीड में भी जैसे सर ने बताया था कि हम मतलब जो एक प्लांट लगा रहे हैं उसके साथ में जो 3 बीज हम लगाने की बात कर रहे हैं, तो हम
वो अवेलेबल जो बात करते हैं, हम मार्केट से अगर लाएंगे, मार्केट में पता नहीं वो कब का पड़ा है कैसा है, तो उगने में शायद पता नहीं सर्वेबल हो ना हो, प्रॉब्लम्स होती है। तो इसलिए हमारा जो लोकल बीज है वो मतलब काफी अच्छा उगता है, और उसको हम ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा करने का मतलब वो कर रहे हैं, ताकि हम हमारे इस क्षेत्र में जो भी डिग्रेडर जितना भी हमारा पाचलन है या वन भूमि है, या हम और भी आगे ये सोच रहे हैं कि जो पंचायत के थ्रू हम जो जितना भी हमारा उनकी जो स्कीम्स और इस तरह के जो नरेगा है या और भी मतलब जो चलते हैं उसमें वो काफी मतलब उसको कैसे भी करके अपने एक मुख्य रूप से उसको भी मतलब लाइन में लाएं और उसको करने का पूरा प्रयास करें। तो उस तरह का हम उसका सोच रहे हैं। और बाकी हमारे पास में जैसे कि और भी सीड बैंक हम बनाएं और हम उसको रखें और भी मतलब सेल भी करें, और ये इनका मतलब पूरा कम्युनिटी की तरफ से इनका पूरा मतलब ये है कि हम मतलब इसको कैसे और इकट्ठा कर पाए, हम कैसे इसको रख पाए, हम और हमारे और भी आसपास के जो एरिया है उसमें उगा पाए, ये सब इनके आशाएं हैं और भावनाएं हैं। और उसके साथ में ये काफी मतलब एक्टिव से इसको करते हैं, और ये भी रहता है कि जैसे ही मतलब घास या बीज आना शुरू होता है वृक्षों का, तब ये पहले से ही पूछना शुरू हो जाता है कि हम कर लेते हैं, हम कर लेते हैं, जल्दी से इकट्ठा करना चाहते हैं। तो काफी इनको मतलब उत्सुकता है, और उसके साथ में ये इसको कर रहे हैं। हम इसको बरकरार रखने के लिए इनका पूरा सहयोग करते रहेंगे। ये हमारी मतलब वो है कि पूरा हम प्रयास करें हम इनके साथ में। तो इसी बात के साथ में मैं हमको जो मौका दिया है इस वेबिनार में बोलने का और हमारे अनुभवों को शेयर करने के लिए, तो हम इस वेबिनार आयोजित सभी साथियों को मतलब बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूँ मैं, मेरी टीम और मेरे जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनकी तरफ से धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू आशा जी, बहुत अच्छा लगा सुन करके, और आपके साथ समुदाय से भी जो लोग जुड़े हैं उनसे भी ये बात सुन करके बहुत अच्छा लगा कि प्रयासे वो खुद से इनिशिएट करके आप उनमें भी एक मोटिवेशन आया है कि हमको अपने आप से करना है, और वो इस लेवल पे कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे जगह पे इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्रेया, अगर तुम और कुछ बताना चाहोगी। हाँ जी साना, अगर आप वो पीपीटी शेयर कर पाए तो हम पिक्चर्स दिखा सकते हैं, इतना जो इनका एफर्ट्स रहा है, मेहनत रही है, दिक्कतें बिल्कुल, आई हैं उसके बारे में। दिख रहा है। हाँ जी, तो इन्होंने जैसे कहा था कि ये जो बीज होते हैं छोटे छोटे होते हैं और कपड़ों में घुस जाते हैं, तो ये जो पिक्चर है ये काफी अच्छे से डिपेक्ट कर पा रही है। वो सिर्फ कपड़ों में ही नहीं बल्कि शरीर में भी चुभता है, इसलिए ये इतना प्रोटेक्शन ले रहे हैं, इतने मेजर से ये काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, इस तरह से ये इस तरह से कट्टों में भर के मतलब बोरों में भर कर फिर इसका वेट किया जाता है। साना नेक्स्ट करेगा प्लीज। इस तरह से इन कट्टों में भर करके वेट करके नेक्स्ट ऐसे वेट करके फिर जिन भी गांव का डिमांड होता है या जहां भी हमें भेजना होता है फिर वहां पर वो चीज सॉरी सीड्स भेजी जाती है। सो दैट इज इट, थैंक यू। थैंक यू सो मच श्रेया, थैंक यू आशा जी, और वहाँ पे जितनी दीदियाँ बैठी हैं आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे आकर के आपका अनुभव जो है उसको साझा करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल में भी आप अपने प्रयासों को आगे लेके चलेंगे और अगले साल हमको और ऐसे अच्छे अच्छे कहानियां सुनने को मिलेंगे फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बीज का जो कलेक्शन, ये बहुत बड़ा काम है ये, क्योंकि मार्केट में जो बीज मिलते हैं वो बीज मिलते हैं जो हमको चाहिए ही नहीं घास के। ये नेटिव बीज हैं, ये वो ही घास हैं जो हमारी लोकल, हम उसको रीजनरेशन में काम लेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा फर्ट है। हम अगर लोकल बीजों को कलेक्ट करते हैं तो मार्केट का जो बीज जिसका सर्वाइवल परसेंटेज भी कम है उससे हम बच जाएंगे, हमारा पैसा बचेगा, लेबर बचेगी और हमारे रिजल्ट बेटर रहेंगे।
तो लोकल बीज कलेक्शन बहुत बड़ी बात है। इन्होंने घास का बीज इकट्ठा कर, क्योंकि डाइकेंथ मैनुलेटम और आपका सेहमा नरोसम बीज मिलते ही नहीं है, ये हेट्रोपोकन जैसे कंट्रीब्यूटर्स इन्होंने, ये भी बहुत उपयोगी घास है, हमें लोकल बीज इकट्ठा करना चाहिए। ये पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी पूरी ये जो टीम यहाँ बैठी है, आशा जी और श्रेया और अम्मा जी, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू, बहुत बढ़िया। थैंक यू वंस अगेन। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले पैनलिस्ट की तरफ। अभी हमारे साथ गुजरात से जुड़े हुए हैं बलवंत भाई रूपा भाई पदारिया, और वो शियाल गांव के रहने वाले हैं, और उनके साथ विक्रम सिंह सोलांकी है जो गुजरात के टीम को लीड करते हैं फाउंडेशन फॉर टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी की तरफ से, और ये हमारे साथ बात करेंगे रीजेनरेशन ऑफ थ्रेटन प्लांट स्पीशीज। जो गूगल जैसे जो पौधे होते हैं जो थ्रेटन रहते हैं उनको तो उन्होंने रीजेनरेट कैसे किया है एक कटिंग का टेक्निक यूज करते हुए। तो विक्रम जी और बलवंत जी आप शुरू कर सकते हैं। नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम विक्रम है और मैं गुजरात एफईएस टीम में काम कर रहा हूँ। जैसे सहाना ने बताया, मेरे साथ है बलवंत भाई। गुजरात का जो टीम काम कर रहे हैं और जिस एरिया की हम बात करने वाले हैं, वो एरिया बिल्कुल राजस्थान के डूंगरपुर और बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के साथ सटा हुआ है। और जो बहनें दिख रही है और जिन्होंने ये सब सीड कलेक्शन किया है, उनको मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि आपके कलेक्टेड आपने जो कलेक्शन किया सीड का, वो हमने भी यूज किया था पिछले साल, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिन की शुभकामनाएं मैं देता हूं। हम लोग जो बात करने वाले हैं इको रेस्टोरेशन की, तो हम प्रयत्न सब लोग करते हैं, लेकिन कड़ाना और संतरामपुर में खास करके जो फॉरेस्ट लैंड और इसका जो क्वालिटी है, उसमें वृक्ष कम हो गए, इसको किस तरीके से रिस्टोर करें, क्योंकि कॉमन्स है, फॉरेस्ट लैंड है, इसमें जितने भी लोग आसपास के लोग रहते हैं उसमें, इसमें उनके खेती के साथ, उनका पानी के साथ बहुत बड़ा लिंकेज है। तो जंगल का रिस्टोरेशन करना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ साथ में जितने भी ऐसे स्पीसीज जो अभी नष्ट होने की कगार पे है या ऑलरेडी नष्ट हो गए, या हम पता नहीं कि अगली पीढ़ी को उस स्पीसीज के बारे में पता होगा कि नहीं होगा, तो ऐसा ही एक स्पीसीज है गूगल। तो उसके बारे में मेरे साथ जो बलवंत भाई है, उन्होंने जो काम किया है वो बात करेंगे, उसके बाद वो गुजराती में बात करेंगे, मैं थोड़ा इसको सुविधा के लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर लूंगा। धन्यवाद। बलवंत भाई को बोलता हूँ कि आप थोड़ा अपना बात शुरू करें। आप सबने मारा नमस्कार। मारा नाम बलवंत भाई बात कर जैसे वो आ मारा गाम में सियाल बनमणली जयम भिवान विकास उपक्षेत्र सहकारी मंडली नो प्रमुख छू। आजे हूँ आप सबने विश्व पर्यावरण दिवस निमित्ते खूब खूब शुभकामनाओं पाठवु छू। आज ना दिवसे मैंने जे विषय पर चर्चा करवा माटे कहेवामां आव्युं छे તે છે કે નષ્ટ થતી જતી વૃક્ષોની જે પ્રજાતિ અને તેને સંરક્ષિત કરવા માટે અમારા દ્વારા કરવામાં આવેલા પ્રયત્નો અમારા ગામમાં આશરે 150 હેક્ટર જેટલી જંગલની જમીન છે। આ જંગલની જમીનનો હવાલી વિભાગ સાથે મળીને અને એફએસ સંસ્થાના માહિતી માર્ગદર્શન દ્વારા અમે છેલ્લા દરેક વર્ષથી જંગલ જમીનમાં હરિયાળું જંગલ ઊભું કરવા માટે પ્રયત્નશીલ છીએ। અમે અમારા વડવાઓ સાથે જ્યારે જંગલ વિકાસ આયોજન તરફ બનાવતા હતા ત્યારે અમને ખબર પડી કે આપણા વિસ્તારમાં અગાઉના સમયમાં ભૂગોળ હતા અને પછી સમય જતો ધીરે ધીરે નષ્ટ થઈ ગયા। અમે આ બાબતની ચર્ચા વન વિભાગ સાથે કરી અને તેઓને પણ એ વાતની પુષ્ટિ કરી ભૂગોળ વૃક્ષ એ નષ્ટ જાત જનજાતિ પ્રજાતિમાં આવે છે, આથી અમે જાતિને ફરીથી અમારા વિસ્તારમાં ઉછેર કરવા નો નિર્ણય કર્યો। સર્વપ્રથમ અમે વર્ષ 2021-22માં 50 જેટલા કટિંગ કડાણા ઉપરવાસ વિસ્તારમાંથી લાવીને વાવ્યા જે વરસાદ થઈ ગયા પછી વાવવામાં આવેલા જેને કારણસર નિષ્ફળતા મળી, પરિણામ સારું મળ્યું નહીં। બીજી વાર અમે એફએસ સંસ્થા વન વિભાગ
અને રાજસ્થાનના ડોક્ટર સતીશ શર્મા સાહેબની માર્ગદર્શનથી અમે કેટલાક પડીલો સાથે ચર્ચા કરી, અમને નિષ્ફળતા કેમ મળી ત્યારે અમને જાણવા મળ્યું કે ગુગળના રોપા કટિંગ થાય દ્વારા થાય છે, તેને મે માસના અંતિમ વરસાદ પહેલાં 10-15 દિવસમાં પહેલાં લગાવી દેવા, અને ગુગળના ઝાડને વધારે વરસાદ માફક આવતો નથી, તેના ઝાડને પાણી ભરવું જોઈએ નહીં, એટલે અમે બીજા વર્ષે લગભગ 100 જેટલા કટિંગ કડળના ઉપરવાસ વિસ્તારમાંથી લાવીને વૃક્ષારોપણ કરવામાં આવેલું, જેમાં અત્યારે 35 જેટલા ગુગળ જીવિત છે. આ અમારા પ્લાન્ટેશનની મુલાકાત ડીએફઓ સાહેબ તેમજ વન વિભાગ મુલાકાત લે છે. ગુગળ કઈ રીતે વાવશો? તો ગુગળ કટિંગ માટે ગુગળ સારું વૃક્ષ પસંદ કરવું, તેની કટિંગ માટે સારી કુવાળી, દાળદાર કુવાળી, ધારિયાથી ત્રાસો કાપો મારો, જમીનની અંદર 1.5 ફૂટ અંદર જાડો ભાગ છે તે કટિંગ વાળો અંદર દબાવો, વધારે માટી વાળી જેના કારણે પાણી ના ભરાય, બાકીનો ભાગ પણ 2-2.5 ફૂટ ઉપર રાખો. જે પાતળા ભાગને કટિંગ ભાગને ગોબર અથવા મિક્સર માટીથી લેપણ કરો, જેના કારણે ભેજ સંગ્રહાય અને વરસાદનું પાણી ન લાગે. ગુગળની શાખાઓ ઘણી ઊભી હોય છે, જે સામાન્ય રીતે 2 કે 3 મીટર ઊંચી હોય છે. ગુગળ જે મૂળ ભારત અને પાકિસ્તાન છે તે ભારતમાં રાજસ્થાન, ગુજરાત, મધ્યપ્રદેશ, કર્ણાટક, ખડકાળ પ્રદેશોમાં જોવા મળે છે. વૃક્ષ મોટા ભાગના વર્ષ માટે કોઈ પણ પાંદડાઓ ધરાવતો છે. આ ગુગળના છોડને સૂકો અને અર્ધ સૂકી આબોહવા પસંદ કરે છે અને તે નબળી જમીનને સહન કરે છે. પેતાળ કોકવાળી જમીનમાં સારી રીતે ઉગે છે, જે કાર્બનિક દ્રવ્યમાં નબળી છે અને અન્ય બાબતોમાં પણ સમૃદ્ધ છે. તેને દુષ્કાળ અને ખારાશ પ્રતિરોધક છોડ તરીકે પણ ગણવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે 1.5 સેન્ટીમીટર થી મુખ્ય છોડને ફરતે ચીરો મૂકવામાં આવે છે, જેમાંથી આછા પીળા સુગંધિત પ્રવાહી નીકળે છે, બહાર નીકળે છે, જે જલ્દીથી ઘટ થઈ જાય છે. એ ઘટ થયેલા સુરી વડે કટિંગ કરી એકત્ર કરવાનું. સામાન્ય રીતે રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે તેનો વિચાર થાય છે. ગુગળ તેના બળતર વિરોધી ગુણધર્મો માટે વખાણવામાં આવે છે. સંશોધન સૂચવે છે કે ખીલ, ખરજુ, સંધ્યા જેવી ચોક્કસ બળતરા વિરોધી પરિસ્થિતિમાં સારવાર મદદ કરી શકે છે. તેનો ઉપયોગ વજન ઘટાડવા, સારવાર, કોલેસ્ટ્રોલ અને બ્લડ સુગરના શરીર નિયંત્રણ કરવા માટે પણ કરવામાં આવે છે. જે આ મારી ચર્ચાને ત્યારે ધરી જેથી વાત ધરી તે બદલ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. સો થોડા સા મેં ટ્રાન્સલેટ કર લેતા હું જો બલબંતભાઈ ને બાત કિયા. સબસે પહેલે ઉન્હોને હમ સબકો વિશ્વ પર્યાવરણ દિવસ કી શુભકામનાએં દી હૈ ઓર ઉન્હોને અપના પરિચય દિયા હૈ કે કેસે વો પ્રેસિડેન્ટ હૈ અપને ગાંવ કે વૃક્ષ ઉછેરક સહકારી યાની કે ટ્રી ગ્રોઝ કોઓપરેટિવ સોસાયટી કે વો પ્રેસિડેન્ટ હૈ. ઉન્હોને બતાયા કે હમ લોગ પિછલે 10 સાલ સે હમારે જીતને ભી ફોરેસ્ટ લેન્ડ હૈ વો પૂરા બેરન થી, તો હમ લોગ ઉસકો રિસ્ટોર કરને કા કોશિશ કર રહે હૈ ઓર ઇસમે હમ લોગો કો ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ FPS ઓર ગાંવ કે લીડર્સ હમકો સહયોગ કર રહે હૈ. જબ હમ લોગ કુછ 3 સે 4 સાલ પહેલે હમારે ફોરેસ્ટ કા પૂરા પ્લાન બના રહે થે, તો કોન કોન સે સ્પીસીસ લગાના ઉસ સંદર્ભ મે જબ ચર્ચા કર રહે થે ઓર પૂરા ટ્રેકિંગ લગા રહે થે, તબ ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ સે ઓર હમારે કુછ આગેવાન લીડર સે પતા ચલા કે યહાં પે પહેલે ગૂગલ હુઆ કરતે થે, લેકિન કુછ પિછલે 20-25 સાલ સે વો ખતમ હો ગયા. ઓર જબ વે ફોરેસ્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ કે DCF સાહેબ સે જબ બાત હુઈ તો ઉન્હોને ભી એક વર્કશોપ મે બતાયા થા કે ગૂગલ જો હૈ વો નષ્ટ હોને કી કગાર પર હૈ, યાની કે થ્રેટન્ડ સ્પીસીસ મે આતા હૈ. તો હમ લોગોને તય કિયા કે હમ હમારે ફોરેસ્ટ એરિયા મે ગૂગલ કો લગાયેંગે. તો ઉન્હોને ઉનકો યે ભી પતા ચલા કે યે સ્ટમ્પ ઉસકા લગા કે વો ઉગા સકતે હૈ. તો ઉન્હોને કડાના ડેમ કે આસપાસ કે કુછ હિલી એરિયા મે સે જાકે કુછ 50 જીતને સ્ટમ્પ લાગે લગાએ. તો
उन्होंने देखा कि उसमें से एक भी सक्सेस नहीं हुआ, तो उन्होंने फिर FES से और कुछ डॉक्टर सतीश शर्मा सर से उनका एक बात हुआ और एक पता चला कि गूगल को ये मॉनसून में नहीं बोया जाता, उनके स्टम्प को मई महीने के एंड में या जुलाई के फर्स्ट वीक में डालते हैं और उसको बिल्कुल पानी कम चाहिए। तो दूसरे साल उन्होंने वही मेथड से एक अच्छा स्पीसीज, एक वृक्ष पसंद करके वहां से 100 जितने स्टंप लाए और उन्होंने मई मई के एंड में पूरे लगा दिए। तो आज उनके फॉरेस्ट में एरिया में 35 जितने सहाना, आप अगर वो फोटोग्राफ स्लाइड्स में दिखा सकती है तो अच्छा रहेगा, तो 35 जितने स्पीसीज उनके फॉरेस्ट एरिया में रहे हैं। उन्होंने ये भी शेयर किया कि अगर ऐसे स्टेम कटिंग से गूगल को लगाना चाह रहे हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो बोले कि सबसे पहले आपको एक हेल्दी वृक्ष पसंद करना है जिसमें कोई धारदार कुहाड़ी से या फिर धारिया से उसको ट्रायंगल थोड़ा कटिंग करना है और उसको जो मोटा पार्ट है वो जमीन में 1.5 फुट से 2 फुट जितना इसमें लगाना है और ये बिल्कुल बारिश होने से पहले काम हो जाना चाहिए और इस पेड़ को ज्यादा पानी या लॉगिंग उसके रूट में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो सूख जाएगा। तो इस तरीके से इसका पूरा ट्रीटमेंट करना है और आसपास मिट्टी डालनी है। इसके साथ साथ जो उसका ऊपर वाला जो भाग है, जहां से पतला वाला भाग है, वो हमेशा ऊपर रहना चाहिए और वहां पे गोबर और मिट्टी का मिक्स करके लगा देना चाहिए ताकि उस स्टंप में मॉइस्चर का कंटेंट जो है वो रहे। तो ये उन्होंने एक मेथोडोलॉजी पे डालना है बात तो किया, बता साथ देना। साथ में उन्होंने कुछ बताया कि ये जो जी गूगल है वो हमारा इंडिया का है, इंडिया और पाकिस्तान में वो पाया जाता है, साथ साथ में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में वो मिलता है। गूगल का कुछ मेडिसिनल यूज भी है, साथ साथ में पूजा में उसका धूप के लिए बहुत इसका डिमांड रहता है। उसको जब वो परिपक्व हो जाता है वो वृक्ष, तो छोटा सा 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर का इसमें खरोच करके फिर इसमें से जो पीला प्रवाह जो निकलेगा प्रवाही, वो कुछ ही देर में वो घट हो जाएगा, वो गूगल कहलाएगा। तो इस तरीके से इसका हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये था बलवंत भाई ने जो बातें की है उसका कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करने का कोशिश किया। साथ साथ में ये प्रयास से वन विभाग ने बहुत उनका उनको सराहना की है और पिछले साल 15 अगस्त को उनको स्टेट में बुला के एक सर्टिफिकेट से नवाजा है कि आपने अपने एरिया में बहुत अच्छा काम किया है। साथ साथ में बलवंत भाई ये सब सारी चीजों के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आपको एज ए रिसोर्स पर्सन ले जाते हैं कि और भी एरिया में अगर गूगल हमें करना है तो किस तरीके से वो ट्रेनिंग देते हैं सभी लोगों को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के नए जो रिक्रूटेड स्टाफ है उनको भी ट्रेनिंग देता है। और इस साल भी उनका प्लान है कि सारे फॉरेस्ट एरिया में गूगल और भी स्पीसीज है जो थ्रेटन है वो आइडेंटिफाई करके डालेंगे। ये हमारी ओर से था, थैंक यू। विक्रम सर बहुत धन्यवाद। आप ये वाला ड्राइंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे जो आपके लास्ट स्लाइड पे है? सहन आप कुछ बोल रहे थे तो विक्रम सर आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है यार। हाँ, मैं बोल रही थी कि आपका ये जो लास्ट स्लाइड पे ड्राइंग है उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे कंक्लूड करते करते? एक्चुअली सियाल में उनकी जो प्राइमरी स्कूल है तो उसी पर्यावरण दिवस के दिन ये स्कूल में ड्राइंग कंपटीशन लगाया था और स्कूल के बच्चों ने ये ड्राइंग किया था कि विक्रम सर आप थोड़ा सा बाकी सारे सिस्टम्स को म्यूट करके बात करेंगे? जी हमारे पास 2 इंस्ट्रूमेंट है। अब आ रहा है, इको आ रहा है, नहीं आएगा? आपकी ओर से हाँ आपकी ओर से ठीक है। तो पिछले साल विश्व पर्यावरण दिवस के दिन शियाल ग्राम पंच प्राइमरी शाला में ये ड्राइंग कंपटीशन रखा था और इसमें कुछ बच्चों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, बच्चों लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से ये एक सिलेक्शन हुआ था और उनको एक प्राइज मिला था कि अगर हमारे पास फॉरेस्ट रहेगा और फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो वो कंपेरेटिव बच्चों ने ड्राइंग करके बताया है।
तो ये पिक्चर को फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में भी उन्होंने वो भेजा गया था DCF साहब को, तो वहाँ पे उनके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आके उस बच्ची को भी अप्रिशिएट किया था और कुछ इनाम भी दिया था उसके लिए रखा। यस थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बलवंत भाई, बहुत धन्यवाद आकर के आपका अनुभव साझा करने के लिए। ये बहुत सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत सारे अलग अलग लोगों को भी इसमें जोड़ करके आप आगे चल रहे हैं। वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हो या समुदाय के लोग हो, तो बहुत बढ़िया है। बहुत धन्यवाद आज आपका टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए। विक्रम सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकाल करके आपका एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सतीश सर, हमारे पास 2 मिनट है अगले स्पीकर की तरफ बढ़ने से पहले, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं इसमें कुछ कमेंट करना चाहूंगा। देखिए, गूगल नाम से कई पौधों को गूगल कहते हैं। एक है सलाई गूगल, एक है गूगल। तो ये जो पौधा था हमारा, ये सलाई गूगल, जिसको कई जगह सालर भी कहते हैं, बोसवेलिया सरेटा। और एक है गूगल, जिसको कहते हैं कॉमिफोरा व्हाइटियाई। और ये जो सलाई गूगल है, सलाई अभी 2013 यानी कि 10 साल 11 साल पहले बंगलौर में एक एनजीओ है FRLST, FRLST और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने राजस्थान की मेडिसिनल प्लांट की रेड डाटा बुक तैयार की थी। कैंप वर्कशॉप हुई थी जयपुर में 4 दिन। उस कैंप वर्कशॉप में सालर को, ये जो अभी पौधा दिखाया सालर गूगल, जिसको सलाई गूगल कहते हैं बॉसवेलिया सेरेटा, इसको इसको रेड डाटा लिस्ट में शामिल कर दिया राजस्थान की, जो राजस्थान के लिए बनी। और इसको कंजर्व करने के लिए राजस्थान ने एक बनाया है MPCA, मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरिया, जो कुंभलगढ़ सेंचुरी है वहां पर इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन एरिया बनाया है। तो ये बड़ा अपार्ट अच्छा अपार्ट है कि हम कटिंग से, यानी अभी बहुत सारे अल्टरनेट है, हम सीड से कर सकते हैं, कटिंग से कर सकते हैं, गड्ढे में सीडलिंग लगाते हैं, है ना, तो इस तो वाइडलिंग को प्रोटेक्ट कर देते हैं। तो कटिंग लगाना, अब दो तरह से कटिंग है, कुछ कटिंग ऐसी है जो समर में लगेंगी, कुछ कटिंग ऐसी है जो रेनी सीजन में लगती है। तो समर में लगने वाली कटिंग में ये है बॉसवेलिया सरेट्रा, सलाई गूगल, एक जो कॉमिफोरा वाइटियाई गूगल, एक सेमल बॉसवेलिया सरेट्रा, ये एक सहजना जिसको ड्रमस्टिक कहते हैं, कई जगह हेंगुआ कहते हैं, सरगुआ भी कहते हैं, ड्रमस्टिक बड़ा आयरन रिच प्लांट है और उसका टेक्निकल नाम है मोरिंगा ओलिफेरा। उसी का एक और दूसरा भाई है मोरिंगा कॉनकेनेंसिस। ये सारी स्पेसीज ऐसी हैं जो समय आपकी रतन जोत थूर है यूफोर्बिया, ये सब समर में लगती है। यानी कि समर का मतलब हुआ रेन आने से पहले, मानसून का रेन आने से पहले करीबन 3 वीक से लेके 4 वीक पहले लगा दीजिए। तो अपना अपना रेनी सीजन देख लीजिए कब स्टार्ट हो रहा है, उसके हिसाब से 3 वीक 4 वीक पहले से लगा दे, वो इसका बेस्ट सीजन है। कुछ है जो रेनी रेन्स में लगेंगे, जैसे आपका बनियन ट्री है, बरगद, बरगद का आपका मलबरी है, शैतूत, ये सब ऐसी कटिंग है। मेलिंगटोनिया हॉर्टेंसिस, जिसको हमको लगाना चाहिए रेनी सीजन में। तो कटिंग का लगाने का अपना अपना एक मौसम है। इस कटिंग को एक चीज बहुत ध्यान इंपॉर्टेंट है, कटिंग कब लगेगी, ये जब उसमें फ्लावर नहीं आना चाहिए, फ्रूट नहीं लगना चाहिए और लीफ नहीं है, उससे पहले कटिंग लगेगी। तो गर्मी में आप ये देख लें, क्योंकि फ्लावर अगर उसने दे दिया, फ्रूट दे दिया, तो उसके पास जो स्टोर में था वो स्टोर पूरा कंज्यूम हो गया फ्लावर बनाने में, तो आप नई रूट कैसे बनाएगी, इसलिए ये ध्यान। हाँ, लगाने के बाद वो फ्लावरिंग करती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कब लगाना है फ्लावरिंग फ्रूटिंग से पहले लगा देना है, हमारे गड्ढे में ट्रांसफर होने के बाद में फिर आप उसको फ्लावरिंग फ्रूटिंग करने दें। एक और चीज का ध्यान रखना है, हम जब जॉनेशन देखते हैं तो जॉनेशन के हिसाब से सालर टॉप जॉन की स्पीसीज है, यानी कि रॉकी टॉप जॉन की तरफ। कई बार हम क्या गलती कर देते हैं, टॉप जॉन से कटिंग लाते हैं और बॉटम में लगा देते हैं, नहीं, टॉप जॉन की कटिंग टॉप वाले एरिया में ही लगेगी, क्योंकि सालर का नेचुरल जॉन टॉप है। हाँ, कई बार टॉप जैसी कंडीशन बॉटम में हो सकती है, तो उस समय सालर बॉटम में भी आ जाएगा। तो अगर उसकी नेचुरल कंडीशन टॉप में है, या टॉप जैसी कंडीशन मिडिल स्लोप पे है, या नेचुरल कंडीशन रॉकी स्टोनी सॉइल बॉटम में भी आ गई है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, हम उसको बॉटम में लगा सकते हैं। ये क्ले में नहीं लगेगी, प्योर मिट्टी में, आपका लोमी सॉइल दोमट मिट्टी में भी नहीं लगेगी, क्योंकि
इसको रॉकी स्टोनी सॉइल चाहिए जहां वेल ड्रेन्ड सॉइल, पानी भरता नहीं हो, इसका थावला भी नहीं बनेगा, इसका क्रीसेंट नहीं बनेगा, क्योंकि इसको पानी नहीं चाहिए। अगर क्रीसेंट बना देंगे तो पानी भरेगा, पानी भरेगा तो रॉटिंग आएगी, और रॉटिंग आएगी तो फंगस लगेगी, और फंगस लगेगी तो ये कटिंग का पौधा मर जाएगा। इसलिए इसको लगाने में कंप्लीट ड्राई रखना है, यानी कि और ये पिट में नहीं लगेगी, होल में लगेगी। इसके लिए रैट होल बनाना है, चूहे का जैसा एक होल बनाना है, करीब आपका 1 फीट गहरा होल होना चाहिए। इसको अवॉइड करें पिट में, अगर पिट में लगाएंगे तो पिट में बहुत सारी लूज मिट्टी होती है, बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और रॉटिंग स्टार्ट करेगी। होल में इतना पानी नहीं होता है ना, तो कॉम्पैक्ट सोइल में, होल में हम इसको लगाएं। आपने बहुत अच्छा फर्ड किया है, ये पौधा पूरी अरावली में धीरे धीरे प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका गोंद जो है गम गमोलियो रेजिन वो मल्टीपर्पज है, और उसकी वजह से इसका टेपिंग होता है, इसका नंबर घट रहा है, और इसके सीड को बहुत सारे एनिमल भी इसको खा लेते हैं। इसके अलावा इसके छोटे पौधे भी, ये ट्यूबरस, इसमें छोटा ट्यूबर बनाता है, उस ट्यूबर को खोदकर आपका पॉर्क्यूपाइन खाती है, आपके लंगूर खा लेते हैं, यहाँ तक कि राजस्थान में तो वनों में रहने वाले लोग भी उसके ट्यूबर को खोद के खा लेते हैं, लेकिन बड़ा हो जाएगा उस समय ये नहीं खाते। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड रिपोर्ट। थैंक यू सो मच। आपने फिर से आप ऐसे एक छोटे से नटशेल में बहुत सारा हमको बात बता दिया, और हमारे आने वाले जो सेशन है जो जिसके बारे में हम अनाउंस करेंगे उसमें हम और डिटेल में इन सब चीजों में जाएंगे जरूर। बट अभी के लिए हम विक्रम सर आपको और बलवंत भाई आपको बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अगले स्पीकर की तरफ बढ़े उससे पहले मैं 2-3 चीजें आपसे आप सबसे बताना चाहूंगी। आप अपने जो भी सवाल है प्लीज आप अपने Q&A बॉक्स में उसको टाइप कर देना, एंड हम उसको Q&A सेशन पे आते आते जरूर एड्रेस करेंगे। बाकी बाद में अगर आपको बात करके भी सवाल या कुछ रिफ्लेक्ट करना है तो आप हैंड रेज भी कर सकते हैं Q&A डिस्कशन के टाइम पे। और दूसरा चीज, हमारा ये पैनल डिस्कशन होने के तुरंत बाद एक रीवेजिटेशन वीडियो सीरीज भी हमने बनाया है जिसको हम लॉन्च करने वाले हैं इस वेबिनार में। सतीश सर के साथ ही हमने उनके गाइडेंस में ही ये वीडियोस को भी बनाया है, तो हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज जुड़े रहिए, रीवेजिटेशन वीडियो लॉन्च तक जुड़े रहिए, और उसके बाद भी हम कुछ और सेशंस के बारे में भी आपके साथ शेयर करेंगे जहाँ पे और डिटेल डिस्कशंस होंगे। तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद अस एंड वी विल नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्पीकर। हमारा नेक्स्ट पैनलिस्ट पैनल है कर्नाटका से। कर्नाटका से हमारे साथ जुड़े हैं ममता जी जो एक पंचायत रिसोर्स पर्सन है, और श्रीरंग जो कर्नाटका टीम में काम करते हैं फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी में, और वो हमारे साथ बात करेंगे उनके प्रयासों के बारे में जो इनवेजिव स्पीशीज को कंट्रोल या रेगुलेट करने के ऊपर रहा है, स्पेसिफिकली बोधा ग्रास, एक घास है जो उस एरिया में काफी ज्यादा उगता है, तो वीडिंग या निराई के माध्यम से उन्होंने कैसे उसको रेगुलेट और कंट्रोल किया है, और कॉन्टेक्स्ट और लोकेशन के हिसाब से लोकल लोकल सीजन और लोकल फीचर्स के हिसाब से उन्होंने कैसे प्लांट सिलेक्शन भी किया है अडैप्टिव प्रैक्टिसेस को दिखाते हुए, उसके बारे में वो हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। तो श्रीरंग और ममता, ओवर टू यू। ममता आप कन्नड़ा में ही बात कर सकते हैं, श्रीरंग हमारे लिए ट्रांसलेट कर देंगे। सभी को नमस्कार, सतीश शर्मा जी नमस्ते। ममता, पहले ये प्लांटिंग के बारे में बात करें, कैसे वो विलेज इंस्टीट्यूशन में हाउ दे प्लान द प्लांटिंग प्रोसेस एंड ऑल, दे हाउ दे डू मैपिंग, हाउ दे डू ट्रांजैक्ट वर्क, हाउ दे प्लांट एंड प्रोटेक्ट मैकेनिज्म, एंड व्हाट दे डिस्कस इन द विलेज इंस्टीट्यूशन एंड ऑल। उसके बाद मैं उसी का रिलेटेड हाउ दे प्रोटेक्ट द प्लांट थ्रू रिमूवल ऑफ बोधा ग्रास। सो फर्स्ट ममता विल टॉक अबाउट। ममता हेळि। नमस्ते ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಮತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ತಲಕಾರಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕರೆ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಟಿ ವೆಂಕಟಪುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ, ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳಿದೆಯಾ ಇಲ್ವನ ಮೊದಲನೇ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತವೆ. ಅದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಅಂತವ್ರು ನಾವು ಜೊತೆ ಗುಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಸ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತೆ ಕೆರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಕೊಂಡೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಮಶಾನ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಗೋಮಾಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರದನ್ನ ನಾವು ಮೊದಲು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಗೋಮಾಳ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಂತ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಜಿಪಿಎಎಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಲ್ನಡಿಗೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ, ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡನ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ತರದನ್ನ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವೆರೈಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಅದನ್ನ ಗುರುತುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ತರ ನಾವು ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ತಯಾರಾದ ನಂತರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವ ತರ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಆ ಒಂದು ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಯಾವ ತರ ಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ. ಸಭೆ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಏನು ಇದಿದೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಚರ್ಚೆ ಆದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗುಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಣಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 1.5 ಉದ್ದ ಇಂಟು ಹಗಲು, 1.5 1.5 ಆ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಂತರ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇರಬೇಕು, 5 5 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಗುಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗುಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ಬರಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೆ ನಾವು ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ತರ ಗಿಡಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಮೊದಲೇ ಅವ್ರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗುಣಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ತುಂಬಾ ಹೈಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ತರಬೇಕಾ ಆ ತರದನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ನರ್ಸರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತರುವಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತರದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನರ್ಸರಿಯಿಂದ ತರ್ತಕ್ಕಂತ ಅನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಸ್ತಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸೇಫ್ಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಸಮೇತ ನಾವು ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ಗಿಡ ಸಮೇತ ನೀಟಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಇದು ಹರಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಗೋಮಾಳಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವಾಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ರಿಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ. ಹಾಗೂ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಗೊಂಡೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಗುಣಿಗೆ ಮೊದಲು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಅದು ಬುಡ ಸಮೇತ ಅವರು ಬುಡ ಸಮೇತ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ನೀಟಾಗಿ ಬುಡ ಸಮೇತ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೊಳೆಗೆ ಪಾತಿ ಮಾಡೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜೋಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಿದಿರು ಆಗ್ಬೋದು, ನೆರಳೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಜಂಬು ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ತರದ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆ ತರಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪ್ಲೇಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುರುತಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾವು ನಾಟಿ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಟಿ ಆದ ನಂತರ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂತರವನ್ನ ದೂರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇರೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಂಬಾ ದೂರು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತೆ ಗಿಡಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ದೂರ ದೂರ ಅಂತರಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ತೇವೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಹ ಆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಅದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹುಲ್ಲು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನ ತಿನ್ನಕ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅಂತರವನ್ನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಮತ್ತೆ ಆ ಗಿಡಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೂ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನಾಟಿ ಆದ ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಪಾತಿ ಮಾಡಿಸೋದು ಯು ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ, ನೀರ ಬೀರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂದು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಪಾತಿಯನ್ನು ಯು ಶೇಪ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾತಿ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸುತ್ತು ಹುಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಬುಡಕ್ಕೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಪಾತಿ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಜಾನುವಾರುಗಳು ಯಾವ ತರ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಇರುವಂತ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಈ ತರ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಈ ತರ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅದು ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ ನೀವು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನ ಬಿಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ. ಸಭೆ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಅದಾದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೋದು ಹುಲ್ಲು ಆಗ್ಬೋದು. ಬೋದು ಹುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬೋದು ಹುಲ್ಲು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೆಂಕಿ, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬೀಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಬೋದು ಹುಲ್ಲನ್ನ, ಆ ಗಿಡ ಏನಿದೆ ಆ ಗಿಡಕ್ಕಿಂತ ದೂರ, ಒಂದು 5 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಿಡನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಗಣಿ ನೀರು ಬೆರೆಸಿ ಅದನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ಸಹ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗಿಡನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಮತಾ ಅವರೇ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಗಿಡ ನಾಟಿ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸರಿಯಾದ ಜಾತಿಯನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋದು, ಸರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ನಮಗೆ. ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀರಂಗ್, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಶಿ ಇಸ್ ಮಮತಾ, ಶಿ ಇಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ತಲಕಾಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಇನ್ ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ತಾಲೂಕಿನ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಟಿ ವೆಂಕಟಪುರ ವಿಲೇಜ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ತಲಕಾಲ್ ಬೆಟ್ಟ ಪಂಚಾಯತ್ ಓನ್ಲಿ. ವಾಟ್ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವಿತ್ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಲೈಕ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ರಾಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಟೇಬಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಈಸಿ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಡೂ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಶೋನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಲೈಡ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೇನ್ಸ್ ಮೆನಿ ಲೈಕ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ದ ಏರಿಯಾ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಝೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಗೋ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸುಟಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೇಸಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪಿಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಒನ್ ರೇನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಟು ಡೂ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಪಿಟ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್ ಸೊ ದೇ ಡಿಡ್ ಇನ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಆನ್ ಒನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಒನ್ ರೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಸಿಟೆಡ್ ನರ್ಸರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ನರ್ಸರೀಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ವೆದರ್ ದ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಸೀಡ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ನರ್ಸರೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ದೆನ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ನರ್ಸರಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ನಿಯರ್ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ದೇ ದೆಮ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವೆಂಟ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಗುಡ್ ರೇನ್ ದೇ ಆರ್ಡರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಐ ಮೀನ್ ದೇ ರಿಸೀವ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ನರ್ಸರಿ ವೈಲ್ ಅನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವೈಲ್ ಲೋಕಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ದೇ ಟೇಕ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕೇರ್ ಲೈಕ್ ನಾಟ್ ಟು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ದ ಮಡ್ ಬಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದೇ ಡೂ ಲೋಕಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಲೋಕಲಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಕೆಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೀಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿದೌಟ್ ಡ್ಯಾಮೇಜಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಮೆಜರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಮತಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೂ ನೋ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದರ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ದೇ ಡೂ ಮಾನಿಟರ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಲೈಕ್ ವೈಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಝೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಝೋನ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಡೂ ಡಿಸೈಡ್ ವಿಚ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಗೋಸ್ ವೇರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ ಫುಟ್ ಹಿಲ್ ಝೋನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲೈಕ್ ಲಿಟಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಎ ವಾಟರ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಸಲೈನ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ದೇ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸೀಸ್ ಲೈಕ್
जामुन, बैम्बू एंड सम अदर स्पेसिस विच आर सुटेबल फॉर दोज फुटहिल जोन्स, एंड दे लाइक सेलेक्टेड दोज प्लांट्स ओनली मोर, एंड बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ साइट्स दे आइडेंटिफाइड अदर स्पेसिस ऑल्सो, एंड अकॉर्डिंगली बेस्ड ऑन द जोन्स दे प्लांटेड. And after planting, they do a kind of U-shaped crescent, or you can like basin, which can store some water after like in the November and December rains and all, so that moisture will be retained for longer time. And also they do a kind of like Gram Sabha or like village level meeting, and inform everybody about the planting process and the area, all those things. Whoever didn't participate in the planting process, they also come to know what happened where and all. And they inform everybody not to go for grazing. A kind of they don't have a kind of physical fencing, so they have to protect by informing everybody. That is the process they follow. And they arrange a watch and ward for taking care of planting and informing about the status of plants after months, 2 months or something. What is happening, which species is doing well and all, is there any intercultural operations required. And they also did a kind of like cow dung solution application, so that the animals don't eat or browse the new see like leaves or the leaves. So it is a kind of mechanism they adopted recently. And also they did a Bodha grass removal. Bodha is Simpopogon grass. It is a very dominant species in this area, like a grass species, especially in Andhra and Karnataka, where we are working like almost Rayalaseema type of region here in Andhra and Karnataka. So this is a very dominant species, and if it catches fire, it will affect the planted species also. So they removed both the grasses surrounding to the seedlings planted, like 2 to 3 meters surrounding the plants. So before explaining further, I would like to explain how we thought of Bodha grass removal, and what is the early results of this process on pilot basis. So on the slide you can see many grass species available in common lands and forests in this area. These are all very much palatable grasses for the like domestic animals or wildlife also. Next slide. But the thing is, Sana, next slide. But what happens is that around Shivratri festival, I mean like in February or initial March, that time. So in this area, people put fire in common lands for many reasons. Because of this fire, like the everything, like including grass, Bodha grass, other grasses, some medium-sized plants, poles, everything will be burnt. Because of the height of Bodha grass and its oil content, it catches fire very quickly, and the intensity is very high. It spreads very quickly. The entire hillock burns very, very fast. So next one. So see the intensity of fire. The everything will be burnt here. Like in the left side slide, you can see this one picture. Even a small shrub or some kind of thorny bushes, everything will be catching fire, and it will be burnt totally. Next. So after the fire, it looks like most of us know this. We have seen this one. The entire hillock burns totally without discriminating any species or any size of plant almost. So, but what happens is immediately after fire, maybe within 15-20 days or so,
Both the grasses will be germ, I mean sprouting, like they will get a tender leaf and they will start growing because of their root system is very strong and very hardy to fire. They survive and they start growing again. And next slide. They start growing very fast, but other species plants, very small size plants, which are recruited naturally, like here we can see pachari or some other creeper species, or many other species which are germinated locally from the local tree seeds. They are very much vulnerable because of this fire. They die. Or their growth will be stopped or slowed down. But next one, both but the Bodha grass see after fire it looks like died, but immediately after getting one rain or maybe after some time, it starts growing again. So he in at this point, the sheep, goat, and other animals can eat this leaves, but if once it grows later, it won't be palatable. So next one. So what we did is like we discussed with village institutions in a couple of village institutions in Andhra. We started in 2015-16, and we started a kind of like the removal of this bodak, like uprooting of bodak grasses only selectively, not any other grasses, no thorny bushes, no other species are uprooted, only selectively bodak grasses are removed in some patches. And earlier we did some like many experiments, like wherever good dense trees are there or bushes are there, we started with the removal of Bodha grass there. And sorry, we removed Bodha grass there, and then we thought of like some other type of experiments, like wherever planting is planned by the village institutions, we recommended them to remove the Bodha grasses surrounding those planting sites identified. Some villages they did Bodha grass removal before planting or before pruning, or some they did like after planting also, but before, well before like summer or during the winter or something like that. But later stage, what Mamta ji told, no, like they again changed this one, like without removing the Bodha grass in entire hillock. They adopted a system that they will remove the Bodha grasses like 2 to 3 meters surrounding the plants, like seedlings planted. So in any cases, it gives a very good impact. Resulted in very good impact so far. So far, like more palatable grasses are grown in the same area, and fire damage is lowered. Fire damage in the sense like other species, tree species, they all are surviving well. And what we thought of like soil erosion earlier. Could you complete in another 1 minute? Yes, Because we are sorry. running behind the time. Yes, thank you. Yeah, what we thought of like soil erosion because of uprooting. People are saying, like village institution members and our team members are saying that it is not so. Like other grasses are covering very quickly, so that the soil is covered immediately, and soil is covered immediately, and erosion is very minimum. And a lot of seeds are germinating and sprouting and growing well. And basically, it is stopping the fire damage. Yeah. Thank you. Thank you so much, Sriram, for coming and sharing your experiences from Andhra and Karnataka. Mamta ಅವರೇ ನಿಮಗೂ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಈ ವೆಬಿನಾರು. ಇನ್ನು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಒಡಿಸಾ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಈಗ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಅಸ್. ಇಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಹಮ್ ಆಗೇ ಬಢ್ತೆ ಹೆ. ಹಮಾರಾ ಫೈನಲ್ ಪ್ಯಾನಲಿಸ್ಟ್ ಹೆ ಒಡಿಸಾ ಸೆ. ಒಡಿಸಾ ಸೆ ಮೈಂ ಇನ್ವೈಟ್ ಕರೂಂಗಿ ಝಿಲಿ ನಾಯಕ್ ಕೋ.
जो एक रिसोर्स पर्सन है, और कार्तिक को जो कि ऑन्जर टीम को लीड करते हैं ओडिशा में फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी पे, और वो बात करने वाले हैं उनके एक इनोवेटिव अप्रोच फॉरेस्ट फायर्स को कंट्रोल करने का, जहाँ पे उन्होंने सीडिंग और रीजेनरेशन के माध्यम से फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल किया। तो कार्तिक जी और झिली जी, ओवर टू यू। थैंक यू साहना, सबको नमस्ते। मेरा नाम कार्तिक है एंड मेरे साथ झिली है, झिली नायक है, एंड और भी काफी सारे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है हमारे साथ। तो जो टॉपिक दिया गया है बेसिकली वो फॉरेस्ट फायर के ऊपर है, एंड फॉरेस्ट फायर एंड रीवेजिटेशन मेजर्स को किस तरह से हम लोग कर रहे हैं, क्या इनोवेशन दिए हैं, तो उसके ऊपर हम शेयर करेंगे। तो मुझे थोड़ा देंगे क्या स्क्रीन शेयर करने के लिए? जी बिल्कुल, एक सेकंड। तो जैसे कि मैं कंटेक्स्ट सेट करना चाहता हूँ कि लोग सब जानते हैं कि कार्तिक जी, एक बार ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। पोस्ट डिजेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है। अभी वापस से ट्राई करना। हाँ, अभी हुआ अभी। ओके कार्तिक, थोड़ा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि 10 मिनट्स मैक्सिमम, 12 मिनट्स में आप और झिली थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, टाइम को ध्यान में रखते हुए बस। जी, थैंक यू। ये अभी आया ना। हाँ, तो बेसिकली ये है कि जैसे कि जानते हैं कि फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा इश्यू है पूरी इंडिया में, एंड लगभग लास्ट कुछ सालों से अगर देखा जाएगा तो बहुत बढ़ा है, लगभग 2000 टाइम्स बढ़ा है बहुत सारे जगह में फॉरेस्ट फायर इंसिडेंसेस, एंड जो एक लोकल बायोडाइवर्सिटी को लॉस नहीं करता है सिर्फ उसमें बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस होता है। अगर आप देखेंगे तो एक एस्टिमेशन 2018 के हिसाब से लगभग 2 लाख करोड़ रुपया नष्ट होता है हर साल ड्यू टू फॉरेस्ट फायर, व्हिच इज अराउंड सम 0.67% ऑफ आवर टोटल जीडीपी। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए काफी सारे संस्था काम करते हैं, डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काम करते हैं, एंड हम लोग थोड़ा उसी प्रोसेस में जुड़ने के लिए कोशिश किए हैं। एंड यहाँ पर जो थोड़ा सा अलग हुआ है वो हुआ है कि इस प्रोसेस में किसी तरह से यूथ को एंड महिलाओं को जोड़ा गया है, क्योंकि आप लोग सब जानते होंगे कि जितने सारे डिक्लेरेशन हुआ है, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ या रियो डिक्लेरेशन हुआ, उसके बाद एक बहुत अच्छा कंसेप्ट निकल के आया कि इंटरजेनरेशनल इक्विटी, कि किसी तरह से हम लोग का रिसोर्स को हम लोग बचा के रखें ताकि जो आगे जनरेशन है उनका जो नीड है वो कैसे फुलफिल हो पाए। तो ये एक सोच को लेकर हम लोग बच्चे या महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा मोबिलाइज करने के लिए कोशिश किए हैं, एंड उसका स्टोरी झिल्ली बताएंगे, तो उड़िया में बताएंगे, एंड मैं उसको ट्रांसलेशन करूंगा एंड विल ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन 10-15 मिनट्स। तो झिल्ली समস্তঙ্গ নমস্কার, মনা ঝিল্লি নায়ক, ঘর গণাশিকা, পঞ্চায়েত বি গণাশিকা, ব্লক বাংশপাড়ি। আমার এই গ্রামর বৈতরণীর উৎপত্তিস্থল এবং যা ওড়িশার গঙ্গা মধ্যে কুহযায়। আমার এই এই বাংশপাড় এরিয়ার কি বহু মানে বহু প্রকার আদিম জনজাতি ভূঁয়া জুয়াঙ্গ ভূঁয়া সম্প্রদায়ের লোক বসবাস করতে, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଚାଷ ଜମି ବହୁତ କମ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ି ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ସେଠି ମକା, ବିରି, ଧାନ, କୋଳଥ, ଗଙ୍ଗେଇ, ମାଣ୍ଡିଆ ଏଇସବୁ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିବି କି ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିକୁ ଆମେ କେମିତି ନିରାକରଣ କରୁଛୁ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ମହିଳା ସଭା କରୁଛୁ। ମହିଳା ସଭାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିକୁ ନେଇକି ବିଶେଷ କି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ। ତାପରେ କି ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ଭରରୁ କି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଆମର ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ବେଳେ କି ଆମେ ସେ
महिला कैलेंडर हिसाब रे महिला मानू फेब्रुआरी मार्च रु आम जंगल पोड़ी उपरे बहुत प्रकार सचेतन करउछु। माँ मैंने गाँ गाँ बुलिकी राली माध्यम रे लोक मान सचेतन करउछंती तापरे कि जंगल रे से माने पाड़ी करिकी जगुछंती मध्य एमती गोटे आम गनासिका ग्राम गनासिका पंचायत जंतारी ग्राम एमती पाड़ी करिकी जगिबा समय रे कि गोटे गोटे स्टोरी मुझे तो जगिबा समय रे कि जणे बाहर काठो काटिया पई आसीथिले आसिया फल रे कि साबरे आमर जो माँ माने जगी थिले तो सेई समय रे सेमानकु धरिले धरिला फल रे कि सेमान कहले कि कंचा काठ जेहेतु काटुछंती से मना करथिले कि ना आम जंगल रु काठ नियंतु नाही माने जंगल काटिबा फल रे कि बहुत प्रकार नष्ट होउछि नष्ट हवा फल रे कि आमे माने ठीक रे जंगल रु ठीक आमे जो जिनसटा पाई पाइबा कथा से जिनसटा आमे पाई पारु नै बोली एमती से लोकंकु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रे मध्य जणैथिले जणैबा फल रे कि से समस्त निष्पत्ति क्रमे नेले कि आउ से ग्राम को से काठो काटिया पाई आसीबे नै बोली कि से कहिथिले। तापरे कि आमर जो आमे आमर मुख्य माने लक्ष्य होची कि आमे केमती जंगल को पुनर्जनन रे पुनर्जनन करिबो तो समस्त को समस्त महिला मानंकु एकत्रित करी तो आमे केमती मंजी संग्रह करिबो मंजी संग्रह करी सारी कि आमे केमती जो आमर जो वन महोत्सव अछि वन महोत्सव रे केमती आमे गछ को लगेइबो लगे मंजी लगेइबो ता सहित पिला मानक आमे टेक रो जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज जो आमर पारंपरिक कौशल शिक्षा विषय रे आम बुझाऊ तबरे कि पिला मानक द्वारा मध्य आमे मंजी संग्रह कराऊ आ महिला मानक द्वारा मध्य मंजी संग्रह करी जो जुलाई एक रु जो एक रु सात मध्य जो वन महोत्सव करा जाए तो सही आमे पिला मानक महिला मानक जोड़ी आम नहीं वृक्षरोपण करू तो ये बेसिकली ये बोल रहे थे कि अगर ये फोटो देखेंगे तो ये फायर अकरेंस बांसपाल का है एंड ये लास्ट 6 साल का फॉरेस्ट फायर इंसिडेंस है जो काफी फ्लक्चुएटिंग है किस साल ज्यादा होता है किस साल थोड़ा कम होता है। एंड जैसे कि जिले बोले कि हम लोग जहाँ पर यहाँ पर काम कर रहे हैं वो बैतरणी रिवर जो है जो जिसको उड़ीसा का गंगा मानते हैं तो बैतरणी का जो रिवर जो अपर कैचमेंट एरिया है बेसिकली वहां पर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं तो जिसमें ज्यादा फॉरेस्ट फायर होता है एंड जिसका एक कारण होता है कि लोग के पास इतना जमीन नहीं है आई मीन पट्टा लैंड नहीं है तो इसलिए वो गुड़ चाषा करते हैं एंड जिसमें बहुत सारे फसल वहां पर उगाते हैं तो बेसिकली ये लोगों के साथ नेगोशिएशन हुआ है कि किसी तरह से गुड़ चाषा कम कर सकें। तो जिसमें झिल्ली ने जो बोले कि जैसे कि महिला सभा एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट है महिलाओं के साथ रेगुलरली ये चीज के ऊपर डिस्कशन करना एंड जो आदिवासी लोग हैं यहाँ पर दो पीबीडीजी कैटेगरी का लोग होते हैं जैसे कि जुआंग एंड भूया तो उनका एक ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन है हम लोग उनके साथ भी नेगोशिएशन कर रहे हैं तो उनके जरिए जरिए से एंड गाँव विलेज इंस्टीट्यूशन के जरिए से हम लोग ये चीज को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं एंड यहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी काफी प्रोएक्टिव है तो उनके साथ भी काफी हम लोग का स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं हम लोग एक एक्शन प्लान बनाते हैं सेंसिटाइजेशन होता है लोकल फोक मीडिया को यूज करके किस तरह से लोगों को सेंसिटाइजेशन किया जाए उसके ऊपर करते हैं तो ये सब बहुत सारे एक्टिविटी किया जाता है एंड जिसके चलते फॉरेस्ट फायर कुछ जगह में कुछ पंचायत में रोकने के लिए हम लोग कोशिश किए हैं। हम लोग इस बार जीपीडीपी में उस चीज को लाने के लिए कोशिश किए हैं कि फॉरेस्ट फायर 3 पंचायत डिक्लेरेशन कि एक पंचायत अगर ये डिक्लेयर कर सकता है पूरा फायर कंट्रोल कर सकता है अपने पंचायत में तो पंचायत एरिया में तो वो एक काफी अच्छा इंटरेस्टिंग चीज है। एंड ये जैसे कि कुछ मैप्स है जो हम लोग कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं उनको बताते हैं कि जंगल नष्ट होने के कारण जो सॉइल लॉस मैप है सेकेंड राइट साइड में देख रहे हैं तो ये सॉइल लॉस हो रहा है लोकल वेजिटेशन लॉस हो रहा है तो ये चीज लोगों को सेंसिटाइजेशन किया जाता है एंड उनके बदले में ये जो स्ट्रेटेजी बोले कि झिल्ली ने कि ये एक सीड कलेक्शन होता है जो जनवरी से लेके लगभग जून लास्ट तक जुलाई तक हम लोग सीड कलेक्शन करते हैं एंड ये उसमें कुछ पैसा खर्चा नहीं होता है इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट
लगभग हर साल हम लोग 40-50 क्विंटल का सीड फ्री ऑफ कॉस्ट में कलेक्शन करते हैं, एंड गांव में भोजी भात किया जाता है, फेस्टिवल की तरह उसको सेलिब्रेशन किया जाता है, एंड लोग जाते हैं, लोग जहाँ पर थोड़ा सा डिग्रेडेड लैंड है वहाँ पर, जो जहाँ पर स्पेशली फायर हो गया है, जहाँ पर एक तो हमें खेती के लिए करते हैं मगर वो ज्यादा एरिया स्प्रेड कर जाता है, जो खेती के बाद जो एरिया स्प्रेड करता है वहाँ पर उसको सीडिंग करने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये एक कम्युनिटी ड्रिवेन इनिशिएटिव है, एंड जिसमें आप देख रहे हो कि बच्चों लोग का, जैसे कि टेक का बारे में बोले, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज, जिसमें छोटे छोटे बच्चों को किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व किया जाए, महिला को किसी तरह से इन्वॉल्व किया जाए, तो ये काम काफी अच्छी तरह से चल रहा है, एंड काफी लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एंड एक बार पे बहुत सारे समय में होता है कि सीड तो लगा देते हैं मगर उसके बाद उनका प्रॉपर फॉलोअप नहीं होता है, मगर यहाँ पर ये इंश्योर किया जाता है कि एटलीस्ट उसको फॉलोअप किया जाए, एंड ये एक डायलॉग के साथ हम लोग करते हैं कि सालों से, पूरा 1 साल से हम लोग लाते हैं सिर्फ जंगल से, एक दिन ऐसा हम लोग को निकालना है जहां पर हम जंगल को कुछ देंगे इन द फॉर्म ऑफ सीड। तो ये एक काइंड ऑफ ए इनिशिएटिव है, एंड उसी दरिया में हम लोग ये काम कर रहे हैं, एंड लगभग हमारे साथ 50 कैडर्स हैं, एंड 300 आसपास महिला लीडर्स हैं, ऐसे ही 150 बच्चे हैं जो टेक का ये हैं, टेक में पार्टिसिपेट करते हैं, वो लोग हमारे साथ हैं, एंड हर टेक का एक प्रकृति गुरु होते हैं, प्रकृति गुरु माँ होते हैं, वो लोग भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, जो जिनके जो इकोलॉजी को लेकर जिनका नॉलेज है उनको भी हम लोग इस प्रोसेस में जुड़ते हैं। तो यही था एक्सपीरियंस, थैंक यू। थैंक यू सो मच किंजल जी, सॉरी कार्तिक और झिली जी। बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि ये इनिशिएटिव जो है हमारे आने वाले पीढ़ी को भी इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा नोट पे ये पैनल डिस्कशन एंड हो रहा है, टू सी कि हम ना ही अभी वाले जेनरेशन को मोटिवेट करके कर रहे हैं, बट हमारे फ्यूचर जेनरेशन को भी इन प्रयासों में जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं। और आप सभी को वहां पे देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, इतने सारे सीआरपी रिसोर्स पर्सन आप सब बैठे हैं, तो कंग्रेचुलेशंस आपका अच्छा अच्छा काम के लिए। और हम यही उम्मीद करेंगे कि इस साल भी आप इन प्रयासों को आगे लेके जाएंगे और लोगों को इसमें जोड़ते जाएंगे। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका टाइम निकाल करके हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय थोड़ा सा जल्दी चला जा रहा है, बहुत सारे चीजें हैं बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, तो आई थिंक 2 घंटा थोड़ा कम ही पड़ जा रहा है। जितने एक्सपीरियंसेस और जितने लोग यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं उन सबको सुनने के लिए, बट थोड़ा सा टाइम का भी ध्यान रखते हुए हम Q&A सेशन से Q&A सेशन के तरफ बढ़ने से पहले थोड़ा सा एक रीवेजिटेशन वीडियोस का जो लॉन्च वाला था उसको पहले हम आगे बढ़ाएंगे, वो लॉन्च करके फिर हम Q&A सेशन की तरफ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक बैकग्राउंड बता देती हूँ। ये रीवेजिटेशन वीडियो सीरीज आप सबने अभी जो आपके एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं कि आपने अलग अलग प्रैक्टिसेस और विधानों को यूज करते हुए कैसे आपने रीवेजिटेशन को आगे बढ़ाया है, उन्हीं चीजों को कैप्चर करने के लिए हमने एक सीरीज जैसा वीडियो बनाया है। सतीश शर्मा सर के गाइडेंस के अंदर ही उसको बनाया है, जहाँ पे शर्मा सर हमारे साथ इन वीडियोस के थ्रू अलग अलग स्टेजेस जो रीवेजिटेशन के होते हैं, पिटिंग से लेके फेंसिंग से लेके फाइनली जो इंटरकल्चरल ऑपरेशंस भी चलते हैं, रिप्लेसमेंट भी करना होता है, तो वहां तक जो जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उसमें क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए, अच्छे प्रैक्टिसेस क्या है, किससे हमारे जो प्रयासे हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेंगे, उसको उन्होंने इन वीडियोस के थ्रू आप साझा किया है। तो मैं ये मौका लेकर के आप सबके साथ ये शेयर जरूर करना चाहूंगी। तो जल्दी से इसको वीडियो का लॉन्च कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो अभी ये YouTube पे एक लिस्ट जैसा भी, ये प्लेलिस्ट जैसा बना हुआ है, मैं चैट में भी इसका लिंक डाल दे रही हूँ ताकि आप सब भी इसको देख पाए, एक्सेस कर पाए। फिलहाल के लिए ये हिंदी में है, शर्मा सर ने ही खुद ये वीडियोस को बनाने में हेल्प किया है, तो अभी के लिए ये हिंदी में अवेलेबल है, बट हम जल्दी ही इसको और लैंग्वेजेस में डब करने का एफर्ट्स भी डालने वाले हैं ताकि रीजनल लेवल पे भी ये
ज्यादा यूजफुल रहे, ज्यादा सपोर्ट करे आप सबके एफर्ट्स को। बट डेफिनेटली इन वीडियोस को देखना, आप भी हम एक झलक खाली आपको दिखाना चाहेंगे इन वीडियोस का। एक वीडियो है जो थोड़ा सा एक ओवरऑल वीडियो जैसा है, जहाँ पे अलग अलग प्रैक्टिसेस के बारे में सर बताते जा रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है तो मैं बस उसका आधा जितना प्ले करके आपको बस एक झलक दिखाना चाहूंगी कि ये वीडियोस कैसे बने हुए हैं। और प्लेलिस्ट अभी भी शेयर है और हम आप सबके ईमेल आईडीज भी हमारे पास है, तो हम ईमेल के द्वारा भी वापस आप सबके साथ शेयर जरूर करेंगे वीडियो को। तो आई होप कि आपके लिए और आपके एफर्ट्स के लिए थोड़ा सा, तो उसी नोट पे ये वीडियो एक बार देख लेते हैं। बस मुझे एक थम्स अप कंफर्म करके देना कि आपको ये ऑडियो सुनाई दे रहा है कि नहीं। फॉरेस्टेशन कार्यों में हमें हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हम प्रजातियां लगा रहे हैं, चाहे हम गड्ढों में बुआई कर रहे हैं या हम बीजों की बुआई कर रहे हैं या कटिंग लगा रहे हैं, स्थानीय प्रजातियों का ही चयन करना चाहिए। एग्जॉटिक स्पीसीज या दूसरे क्षेत्रों की स्पीसीज जो हमारे क्षेत्र में उगती ही नहीं, उनको उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ना तो वहाँ के लिमिटिंग फैक्टर्स को झेल पाएंगी और ना ही वो वहाँ की इकोलॉजी में सूटेबल हैं। कई बार वो ग्रोथ तो कर जाती हैं लेकिन स्थानीय प्रजातियों के लिए वो बहुत हानिकारक प्रभाव छोड़ती हैं। इसलिए स्मरण रहे, समस्त वृक्षारोपणों में उन्हीं प्रजातियों का चयन किया जाना चाहिए जो हमारी यहाँ की स्थानीय प्रजातियां हैं। बीजों के द्वारा रीजनरेशन का ऑपरेशन जब हम करते हैं तो दो चीजों का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, बीज अच्छा हो और बीज जिंदा हो, दो चीजें ध्यान रखनी है। अच्छा बीज हमें अच्छे वृक्षों से मिलेगा, अच्छे वृक्षों को जो सुपीरियर वृक्ष हैं, ट्रीज हैं, जो हेल्दी होते हैं, मीडियम एज होते हैं, जो देखने में भी अच्छे होते हैं, ऐसे वृक्षों को हम प्लस ट्री कहते हैं। अच्छे बीजों को इकट्ठा करने के लिए हम एक स्थानीय प्रजातियों का सीड कैलेंडर भी बना के अपने पास रख सकते हैं ताकि सही समय पर हम सफिशियंट मात्रा में बीज को इकट्ठा कर सकें। जो बीज इकट्ठा किए हैं वो अच्छे हैं, जिंदा है या नहीं, उनका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, हम उनकी जांच करवा लें ताकि हमें पता लगे कि वो जिंदा है या नहीं, दूसरा उनका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है। ध्यान रहे, सुपीरियर यानी प्लस ट्रीज यानी इलाइट ट्रीज से इकट्ठा किया हुआ बीज, उनसे उगने वाले पौधे भी बेटर ही होंगे और जब पौधे बेटर होंगे तो हमारे वृक्षारोपण भी अच्छे होंगे, बेटर होंगे। जिस तरह गोल चीजें जैसे गेंद बॉल को हम पास पास लाते हैं, दो तीन बॉल को, तीन या चार बॉल को पास लाते हैं तो बीच में थोड़ी सी जगह खाली रह जाती है, नो मैंस एरिया। इसी तरह जो मिट्टी के कण हैं जब ये पास पास आते हैं तो बीच में थोड़ी सी खाली जगह रह जाती हैं और ये खाली जगह ही कैपिलरीज बनाते हैं, केशिकाएं बनाते हैं। इन कैपिलरीज में, इस खाली जगह में दो चीज़ ही एंटर होती हैं, या तो पानी और या हवा। कई बार नर्सरी में पौधे को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता है या कई बार उस पौधे को जिसको हम लगा रहे हैं वहाँ गड्ढे में पर्याप्त नमी नहीं है, कुछ दिन से एक छोटा सा ड्राई स्पेल आ रहा है, ऐसी कंडीशन में वृक्षारोपण कार्यों को रोके नहीं बल्कि जो थैलियां हैं उनको किसी बाल्टी में पानी भर के या पीपे में पानी भर के या टब में पानी भर कर या किसी गड्ढे में वर्षा का पानी जमा है वहां इन थैलियों को सीधा खड़ा कर दें ताकि इनमें पानी एंटर हो सके। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं रोकूंगी। ऐसे ही इस वीडियो में और अच्छे अच्छे प्रैक्टिसेस के बारे में बात करते हैं और एक एक स्टेप, पिटिंग हो गया, फेंसिंग हो गया, सीडिंग हो गया, ऐसे करके एक सीरीज है जहाँ पे 8 वीडियोस है पूरे के पूरे। ये प्लेलिस्ट जो दिया है आप इस प्लेलिस्ट में भी उसको देख पाएंगे। तो ये सारे वीडियोज अभी यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको एक्सेस करेंगे, देखेंगे और शेयर भी करेंगे। जहां जहां पे आपको लगता है कि ये यूजफुल हो सकता है वहां पे आप जरूर इसको शेयर भी करना प्लीज। हाँ बिल्कुल शेयर करना इसको जिन लोगों के साथ आपको शेयर करना है। वी वॉन्ट दिस टू बी एबल टू रीच एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड बी यूजफुल। सो इसके साथ मैं पैनल डिस्कशन को भी कंक्लूड करती हूँ। हमारे सारे पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सतीश सर को भी बहुत धन्यवाद हमारे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए। सतीश सर, क्यू एंड ए सेशन पे जाने से पहले हमारे पास एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है जो आगे वाले डिस्कशन फोरम्स को लेकर के है, जो दीक्षा अभी हम सबके साथ शेयर करेगी। तो वो एक अनाउंसमेंट खाली सुन करके
फिर हम क्यू एन ए सेशन पे जाएंगे। सो ओवर टू यू दीक्षा। थैंक यू सोमना। तो जैसा कि आपने देखा कि ये जो रीवेजिटेशन के वीडियोस बनाए गए हैं, ये ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव से बनाए गए थे, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट के ऑब्जेक्टिव से बनाए थे। ये 7-8 सीरीज का वीडियोस है, इसमें शायद और भी आ सकते हैं, पर हमने जो ये वेबिनार किया है और ये जो ट्रेनिंग सी है, ये जो वीडियो सीरीज बनाया है, इसी इनिशिएटिव को और आगे ले जाते हुए और ये ध्यान में रखते हुए कि ये पूरा जो रिवेजिटेशन का काम है, ये बहुत टाइम सेंसिटिव एक्टिविटी है और 2-3 महीने में लिमिटेड है, तो इस प्रोसेस को सपोर्ट करते हुए और जो फील्ड में लोग काम कर रहे हैं और इन इंटरवेंशंस को अंडरटेक जो इंटरवेंशंस को करते हैं, उनको एक कंटिन्यूस बेसिस पे सपोर्ट करने के लिए हमने एक ऑनलाइन डिस्कशन फोरम भी लॉन्च किया है रिवेजिटेशन के ऊपर। तो हर हफ्ते इस में हर हफ्ते स्टार्टिंग 12 जून से लेकर 10 जुलाई तक हर बुधवार को करीब 1-1.5 घंटे का ऑनलाइन सेशन एक डिस्कशन फोरम होगा, जहाँ पे कि ये एक बहुत ओपन प्लेटफॉर्म रहेगा, प्लेनरी डिस्कशन रहेंगे, आप लोग अपने कंसर्न्स रेज करते हैं, सतीश शर्मा सर रहेंगे इन डिस्कशंस के लिए, वो हमें गाइड और एडवाइस करेंगे और सपोर्ट करेंगे। So the schedule, as you can see, the schedule and the link has been displayed right now on the screen. ये हमारे हम social media websites पे भी share करेंगे आपके साथ, और साथ ही में हमारे पास जिन लोग आज जुड़े हैं session में, इनके email IDs हैं हमारे पास, तो हम आपके email IDs पे भी ये schedule link share करेंगे। So look forward to having you all there and joining us in these discussions every Wednesday, 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक। Thank you so much. And now moving on to the question and answer session. I think so we will start taking questions that were first put up on the question Q&A, jo hamara forum tha. Wahan se hum log pehle shuruaat karte hain sawalon ki. To sir, Satish sir, sabse pehle hamare paas ek sawal tha Rahul Bhadoria ji se. इनका कहना है कि we are facing issues of termite and fangs. What can we do for the same? ये है जम्बू सर भरूच से। अच्छा, देखिए जो termite है, termite भी नेचर का एक हिस्सा है। जितने भी हम जिसको डैमेजिंग एजेंट समझते हैं, वो सब नेचर के हिस्सा हैं। तो इसलिए termite का एक रोल देखिए, वो termite जो डैमेज कर रही है, एक्चुअली वो फूड ले रही है, वो उससे ज्यादा नहीं गिरा, लेकिन उसका रोल देखिए क्या कर रही है, वो सड़ी हुई पत्तियों को, मरी हुई बार्क को जब खा के अपने गट से पास करती है, तो रिसाइकल कर रही है न्यूट्रिएंट को और फॉरेस्ट की फ्लोर को फर्टाइल कर रही है। इसलिए उसका रोल क्या है, वो फॉरेस्ट को ग्रो करने का उसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए फिर भी आपको लगता है मैंने जो प्लांट लगाया वो तो मार दिया, आप छोटे 2-3 छोटे काम कर सकते हैं, या तो आप कोई एंटी टर्माइट डाल दीजिए, और वो नहीं भी डालना चाहते हैं तो एक प्लांट होता है छोटी बुश कैलोट्रोपिस प्रोसेरा आकड़ा, जिसके फूल शिवजी को चढ़ाते हैं, उसकी कुछ पत्तियां डालिए गड्ढे में। एक और प्लांट होता है अढ़े टोड़ा वेसिका, जिसको अड़ूसा कहते हैं, कफ की खांसी की जो ब्रोंकाइटिस की जिसकी मेडिसिन बनती है, उसके भी कुछ पत्ते डालेंगे तो टर्माइट वहां से हट जाएगी। तो इसलिए आप अच्छा टर्माइट थोड़ा सा जब सूखा पड़ रहा है उस समय टर्माइट आती है, तो आप एक और चीज कर सकते हैं, थोड़ा सा कोई भी एंटी टर्माइट को भी दवा का सॉल्यूशन लेके एक एक पिचकारी ले लें और प्लांट के बिल्कुल बेस में थोड़ा सा आप उसको इंजेक्ट कर दें, तो उस गंध की वजह से टर्माइट थोड़ा सा दूर रहेगी उस प्लांट को। एक बार प्लांट थोड़ा मोटा हो जाएगा, थोड़ी थिकनेस आ जाएगी, तो फिर वो टर्माइट से बचता रहेगा, इस तरह आप उसको सेव कर सकते। थैंक यू सर, वेलकम। हमारा राहुल जी से, अच्छा उसके बाद अभी हम चलते हैं शिव जी से, हमारे सवाल शिव जी की तरफ से हमारे कुछ सवाल थे आपके लिए सर। एक तो इनका सवाल था कि व्हाट काइंड ऑफ स्पीशीज कैन बी ग्रोन एज बायो फेंसिंग इन रेन फेड कंडीशंस। आनंदपुर डिस्ट्रिक्ट में की उन्होंने का संदर्भ देते हुए उन्होंने पूछा है कि इस तरह के कंडीशंस में किस तरीके के बायोफेंसिंग के लिए क्या पौधे इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। देखिए अनंतपुर के रेनफॉल कंडीशन को देखते हुए अगेव बहुत अच्छा रिजल्ट देती है,
हम अगेव लगा सकते हैं। अगेव की बहुत सारी स्पीसीज हैं, वो अगेव जिसकी पत्तियां 1 मीटर लंबी होती है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है, लेकिन हम कोई सी भी अगेव लगा सकते हैं। और अगेव को लगाने का बहुत इजी तरीका, अगेव के लगे हुए पौधे के रूट जोन में हम देखेंगे छोटे छोटे डॉटर प्लांट्स होते हैं, सकर्स होते हैं, उन सकर्स को आप काट लीजिए रेनी सीजन में, बंड के ऊपर उनको आप एक लाइन में लगा सकते हैं, दो लाइन में लगा सकते हैं, इस तरह आप अगेव को लगा सकते हैं। आप एक और कोई पौधा लगा सिजलपिनिया बंडक का सोइंग कर सकते हैं, आप उसके बेबी प्लांट लाकर एक लाइन में सिंगल रो में आप वो भी लगा सकते हैं। एक और प्लांट है सिजलपिनिया डकेपटेला, सिजलपिनिया डकेपटेला बहुत थॉरी स्पीसीज है, आप उसको भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगेव को भी लगा सकते हैं, करौंदा भी लगा सकते हैं, करौंदा भी बहुत अच्छा था, कैपेरिस आपका जो कॉन्जेस्ट है तो फ्रूट भी देगा, फेंसिंग भी करेगा, और फेंसिंग में हम कुछ दूसरे ट्यूबर्स या दूसरे क्लाइंबर्स भी उसमें लगा सकते हैं, तो आप यूजफुल मल्टीपर्पज प्लांट को लगा सकते हैं। थैंक यू सर, वेलकम। सो अगला सब थैंक यू सर अगला सवाल है श्रेया और आशा जी के लिए, जो शिवलाल कुमार जी पूछे हैं कि काली लाख के गुच्छे बने रहते हैं जिनको अलग करना काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए आप क्या तकनीक उपयोग में लाते हैं, तो उसके लिए कोई सुझाव बताइए। एक और सवाल है आशा जी, इसी के साथ एक और सवाल है आशा जी और श्रेया के लिए फ्रॉम भीमराज सुथार जी से, कि इज इन कुंभलगढ़ एरिया एनी काइंड ऑफ फॉरेस्ट्री सीड्स आर कलेक्टेड बाय एफपीएस और एनी एसएचजी ग्रुप, अगर है तो आप शेयर कर सकते हैं क्या? श्रेया आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जैसे कि अभी बता रहे थे कि शिव जी का जो सवाल था कि काली लाख में गुच्छा रहता है और उसको कैसे आप मतलब उसको बोते हैं, तो वो गुच्छा तो रहता ही है लेकिन दोनों गुच्छे को हाथ में लेके दोनों हाथ से उसको चौड़ा करना है, जैसे कि आप जैसे एक रबड़ की तरह उसको खींचते हैं वैसे ही वो गुच्छा खुलता है, और गुच्छा जैसे खुलता जाएगा और उसको पतला करना है एकदम मतलब उस गुच्छे को, और फिर जमीन पे बिछाते जाएंगे तो वो बीज वैसे ही मतलब अलग अलग हो जाते हैं उसके साथ साथ में, और रहते गुच्छे में ही है लेकिन ज्यादा बिखोरते हैं और फिर वो अच्छे से मतलब बीज जाते हैं नीचे जमीन पे, तो फिर वो उसी हिसाब से उसमें मतलब बोवाई हो जाती है उसकी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एकदम पूरा गुच्छा रखेंगे तो काफी मतलब दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ तो उगेंगे कुछ नहीं उगेंगे, ज्यादा गहने उगेंगे छोटा हो जाएगा, तो वो इस तरह के हम गुच्छे को खोलते हैं दोनों हाथ से, काटा लगता है तो हम जैसे कि हमने मोजे जो प्लास्टिक का आ रहा है उसको भी उपयोग में लेके फिर उसको करेंगे, तो इसके अलावा आप एक और काम कर सकते हैं, जिस बैग में बीज को भरा हुआ है उसका मुंह बंद करके और जैसे कपड़े को उठा के धोते हैं सड़क पर, इस तरह उसको सड़क पर पटकेंगे, बार बार पटकेंगे तो जो नीचे उसके नीचे सीड है ऊपर उसमें आन है, आन एडोमेन आन आन जिसका जो जो कांटा है, तो उस कांटे से आन से सीड सेपरेट हो जाता है। लेकिन जैसा आशा जी ने बताया कि आप सेपरेट नहीं करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके साथ उसका कांटा जाने दें, नेचर में नेचर भी वैसा ही बीज बोती है, कांटा प्लस सीड लगा हुआ ही नेचर, नेचर उसको सेपरेट करके नहीं बोती है, आप लगा हुआ बो दीजिए कोई दिक्कत नहीं। जो दूसरा जो प्रश्न था उसका उत्तर यही है कि हमारे यहाँ पे जो ट्री सीड इकट्ठा किया जा रहा है वो अधिकतर मतलब इनके बीड और इनके खेतों में जैसे कीकर है, खाकरा है और इस तरह के जो अमलतास है, ये सब लोकली सीड इकट्ठे करते हैं, उसमें हमारे चरागाह भी है, कुछ खुला एरिया भी है और जो जंगल के मतलब जैसे पास में रहते हैं तो उसके आसपास का जो कुछ क्षेत्र रहता है वहीं से वो इकट्ठा करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा मतलब जंगल में अंदर जाके बहुत कुछ इकट्ठा करके ला रहे हैं, उस तरह का नहीं है यहाँ पे। थैंक यू आशा जी और थैंक यू सतीश सर। प्रदीप कुमार जी काफी देर से अपना हैंड रेस किए हुए, प्रदीप कुमार जी आप अपना सवाल पूछना चाहेंगे?
अनम्यूट करके बात कर सकते, आप अनम्यूट करके अपने आप को बात कर सकते। प्रदीप कुमार जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो जब तक प्रदीप कुमार जी अपने आप को अनम्यूट करते हैं, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो डिंपल भी कुछ सवाल पूछी है यहाँ पे कि क्या गूगल थार रेगिस्तान के एरिया में भी लगाया जा सकता है क्या? एक सवाल डिंपल जी का तरफ से है। दूसरा सवाल ये है कि जब आप आइडेंटिफाई करते हैं जोन वाइज स्पीशीज सिलेक्शन फॉर प्लांटिंग, तो आप किस तरह से इसको आइडेंटिफाई करते हैं? देखिए, थार में आप गूगल लगा सकते हैं। अगर आप जैसलमेर जाएं, जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर बाड़मेर रोड पे जब आएंगे तो आपको एक फॉसिल पार्क मिलेगा, आकल गांव के पास आकल फॉसिल पार्क। आप उसमें जाइए, आपको बहुत सारे गूगल मिलेंगे। तो गूगल वहाँ जगह जगह है, लेकिन गूगल रेत में नहीं आएगा, गूगल आएगा स्टोनी ग्रिटी सॉइल में, थोड़ी मिट्टी से ऐसे चट्टान से बनी हुई जो सॉइल है, मोटे दानेदार सॉइल है, वहां पे आएगा ये, सैंड में नहीं आएगा। तो बिल्कुल आप डेजर्ट में जहां जहां हिल्स हैं, रॉक्स हैं, आप लगा सकते हैं गूगल को। आया स्पेसिस सिलेक्शन कैसे करते हैं? स्पेसिस सिलेक्शन हम इस तरह से करते हैं कि आप मान लीजिए कोई पहाड़ी एरिया है, स्लोपी एरिया है, आप उससे दूर खड़े हो जाएं, दूर खड़े होकर उसको डिस्टेंस से देखें, आपको उसमें जॉन नजर आएंगे कि ऊपर की वेजिटेशन जो कुछ बची खुची, बहुत सारी तो डैमेज होगी, डेस्ट्रॉय होगी, जो बची हुई वेजिटेशन है वो कुछ अलग तरह की दिख रही है, बीच वाली या नीचे वाली कुछ अलग तरह की दिख रही है, ऊपर वाली में रॉक ही रॉक है, सॉइल का लेयर ही नहीं है, नीचे सॉइल की लेयर है। दूसरा, रेनी सीजन में जो पानी ऊपर गिरेगा वो स्लॉप की वजह से, ढाल की वजह से, वो तो नीचे आ जाएगा। मान लीजिए ऊपर पानी गिरा 600 mm, तो बॉटम में भी 600 mm ही गिर रहा है, तो वो पानी तो टॉप और बॉटम में दोनों 600 600 mm है, लेकिन स्लॉप की वजह से टॉप का सिर्फ आधा पानी बचेगा। थोरेटिकली हम बात कर रहे हैं, मान लो 300 mm ही बचा, तो 300 mm कहाँ आ गया, वो नीचे आ गया। तो नीचे 600 mm प्लस 300 mm 900 mm हो गया, ऊपर 300 mm हो गया। इसका मतलब जो जिसको कम पानी चाहिए, कम मिट्टी चाहिए, रॉक ज्यादा प्यारी है, वो ऊपर चला जाएगा, वो पौधा अपना आप अपने जोन में ऊपर सेलेक्ट होगा, और जिनको थोड़ा मिट्टी ज्यादा चाहिए, जिनको पानी वो नीचे आ जाएंगे। तो इस तरह आप दूर से खड़े होकर इस जोन के जोनेशन को देखते हैं। हर जोन में मान लीजिए वहां आपके पौधे कम हैं, नहीं है कुछ भी, तो नियरेस्ट जोन में जाइए जहां कुछ वेजिटेशन दिख रही है, तो आइसोक्लाइमेटिक जोन कहते हैं इसको। आइसोक्लाइमेटिक जोन में भी अगर कहीं वेजिटेशन है, उसको डिस्टेंस से देख के आपको लगेगा हाँ दो जोन बन रहे हैं, तीन जोन बन रहे हैं, और नाला अपना आप एक अलग ही पैटर्न बन रहा था, क्योंकि टॉप में नाला है ही नहीं, है तो सूखा नाला है, पानी कहीं नीचे आ गया है। तो जो वेट नाले हैं या हाई मॉइस्चर जोन है या लो लाइंग एरिया है, ये ज्यादातर नीचे बनते हैं जहां ज्यादा पानी की स्पीशीज लगती हैं। नेचर में आप घूम के ऑब्जर्वेशन लेंगे तो आपको काफी एक आइडिया आ जाता है, प्लस आप किसी भी थोड़ा सी चीज को जो समझता है उसके साथ 1 घंटा नेचर में चले जाएं, वो आपको इस छोटी सी चीज को ब्रीफ कर, एक बार आप समझ गए तो फिर आप सिलेक्शन, साइट का सिलेक्शन कि किस तरह हाइट पे जोनेशन होता है, हॉरिजॉन्टल भी जोनेशन होता है। एक मान लो 100 हेक्टेयर के एरिया में आप खुद ही दूर से देखें, चारों कोनों में एक जैसे पौधे नहीं है, जहाँ रॉक है वहां अलग तरह के पौधे हैं, हाइट भी अलग होगी, डेंसिटी भी अलग होगी, जहाँ मिट्टी ज्यादा जमाव है वहां आपको देखेंगे अलग तरह के पौधे हैं, डेंसिटी भी अलग है, उनकी हाइट भी अलग है। इस तरह उस डिफरेंस के बेस पर ही हम ये देखते हैं कि मिट्टी में कितना फर्क है, पानी में कितना फर्क है, चट्टानों में कितना फर्क है, धूप में कितना फर्क है, उसके अकॉर्डिंग हम जोनेशन करते हैं। थैंक यू सतीश सर। और जस्ट बताना चाहूंगी कि जोनेशन के बारे में और स्पीशीज सेलेक्शन के बारे में सतीश सर ने काफी अच्छे तरीके से और डिटेल तरीके से उन वीडियोस में भी शेयर किया है। सो वी होप दैट दोज वीडियोस वुड आल्सो बी वेरी यूजफुल वेयर द जब ये फील्ड में प्लांटिंग एक्टिविटीज हो रहा है, जब कैटर कर रहा है। सो ये वीडियोज आपको शायद काफी मदद करेंगे। हम आगे की तरफ अपने सवालों की तरफ बढ़ेंगे और दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनवेसिव स्पीशीज के अराउंड। एक सवाल है मधुर रंगप्पा जी का और प्रभुलाल मीणा जी का रिगार्डिंग इनवेसिव स्पीशीज को लेके।
So, how Lantana can support the livelihood or it can it be grown on the common land? So, Lantana जो है वो कैसे livelihood को support करता है और क्या ये common land में उगाया जा सकता है क्या? देखिए, लैंटाना वीड है, एग्जोटिक स्पीसीज है, इसलिए इसे ग्रो नहीं करें, लेकिन ये नेचुरली ग्रो हो रहा है, उससे हम कुछ काम कर सकते हैं। क्योंकि आप कर्नाटक से बोल रहे हैं, कर्नाटक के कई जो जोन है जहां इसके स्टेम से बास्केट बनाते हैं और उसको वहां मकरी कहते हैं, लोकल कन्नड़ लैंग्वेज में मकरी कहते हैं। तो लोग जो जेंट्स लोग हैं वो सुबह जाते हैं, इसके ट्विग्स को ले आते हैं, उसको एक चाकू से उसके कांटे हटा देते हैं और फिर उससे बास्केट बनाते हैं। आप चाहे तो उसको थोड़ा सा पानी में भिगो लें, उससे प्लाइबिलिटी आ जाती है, उसको आप थोड़ा कर्वेचर दे सकते हैं, मकरी बना सकते हैं। आजकल जो मोटी साइज का इसका स्टेम है उससे फर्नीचर भी बन रहा है, जैसे देहरादून वगैरह में जहाँ थोड़ा और ज्यादा थोड़ा थिक तरह का है, तो आप उसे फर्नीचर भी बना सकते हैं। तो फर्नीचर बनाकर, मकरी बनाकर, बास्केट बनाकर लाइवलीहुड को देता है। एक और भी लाइवलीहुड तो नहीं है लेकिन हाउस होल्ड को सपोर्ट करता है, इसको फ्यूअल वुड की तरह भी यूज करते हैं। फ्यूअल वुड जब तो आपकी गैस बच रही है, तो एक तरह से पैसा बच रहा है। एक और भी काम में आता है, इसकी ड्राई ट्विग से लोग फेंसिंग भी करते हैं। तो फेंसिंग मटेरियल यानी कि जो आपका मान लीजिए लाइव हेज फेंसिंग को आने में थोड़ा टाइम लगेगा, 1 साल 2 साल, तब क्या करेंगे, आपके पास नियरेस्ट जगह पे जो लैंटाना है उसको काट लीजिए, काट कर आप एक छोटा सा स्लिट बनाइए जमीन में और उसको बिल्कुल वर्टिकल गाड़ दीजिए और फिर उसके एक बांस की एक रेलिंग से हॉरिजॉन्टली उसको बांध दीजिए, सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस तरह से ये एक फेंसिंग की तरह भी काम करता है और इसके साथ साथ सीड सोइंग भी कर दीजिए, ताकि जब ये सड़कर रॉटिंग होगा तब तक आपका जो वेजिटेटिव फेंसिंग है वो भी आ जाएगा। इस तरह से इसका कुछ यूज भी हम कर सकते हैं, लेकिन प्लांटिंग नहीं करें। फिर हमारा आखिरी क्वेश्चन है जो हम लेते हैं अभी इसके लिए, क्योंकि समय को देखते हुए थोड़ा सा समय की हमारी पाबंदी है, पर हम ये डिस्कशंस को वीकली सेशंस में कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हर एक सब्जेक्ट पे हमने डेडिकेटेडली 1.5 घंटे का समय हम लेंगे और सर रहेंगे वहाँ पे, बाकी और भी प्रैक्टिशनर्स रहेंगे जिन लोगों ने काम किया है, तो वी कैन देयर कैन ऑलवेज बी अ म्यूचुअल डिस्कशन एंड अ पीयर लर्निंग। तो ये डिस्कशंस कंटिन्यू रहेंगे अगले 1-1.5 महीने। आज का आखिरी सवाल लेते हुए जो कि विष्णु से आया है हमें, विष्णु का ये पूछना है कि बैम्बू इज अ फ्लावरिंग प्लांट इन द विदर्भ रीजन एंड मोस्ट ऑफ द ग्राम सभाज हैव कलेक्टेड बैम्बू सीड्स, नीड पॉइंटर्स ऑन फर्दर एक्टिविटीज टू अंडरटेक सक्सेसफुल प्लांटेशन। तो बैम्बू के बीज इकट्ठे किए हुए हैं सर विष्णु के एरिया में, पर अगर प्लांटेशन के लिए इनको कैसे उपयोगी रूप से इस्तेमाल किया जाए? देखिए, बैम्बू जब सीड बनाता है आमतौर पर इसका विंटर में सीड आ जाता है और रेन के आते आते बीज पक जाता है। हम दो तरह से यूज कर सकते हैं, पहला सीड कलेक्ट कर लीजिए और सीड को आप मदर बेड में बो दीजिए और राइजोम तैयार कर लीजिए। ये राइजोम अगली रेन तक मोटा नीचे जैसे हल्दी का ट्यूबर होता है, गांठ होता है, राइजोम होता है, ऐसी गांठ बन जाएगी और नेक्स्ट रेनी सीजन में आप इसको डिगिंग कर लें और एक राइजोम में बहुत सारे डॉटर राइजोम होते हैं, उन डॉटर राइजोम को सेपरेट सेपरेट करते हुए आप उनको पॉलिथीन थैलियों में मिट्टी का मिक्सचर भर के आप उनमें प्लांटिंग कर दीजिए, तो थैली में आपके बांस के पौधे तैयार हो जाएंगे। इन बेम्बू सीडलिंग्स को आपको जहां लगाना है आप ले जा सकते हैं। दूसरा ये है, आप नर्सरी में सीडिंग रेज मत करिए, जहां नेचर में सीड उगा है उस सीड को नीचे गिरने दीजिए, तो वो क्या रेंज में वो उगेगा। आप थोड़ा सा मिट्टी से और कवर कर दें, थोड़ा उसको सॉइल को लूज करके उस बीज को वहीं के वहीं प्लांट के नीचे ही बो दें, रेनी सीजन में वो ग्रो कर जाएगा और नेचुरली राइजोम बन जाएगा। तो उसके नीचे हो सकता है 200 राइजोम उगे हुए हैं, नेक्स्ट रेनी सीजन में आप 5-10 राइजोम तो वहीं छोड़ दें, बाकी उन राइजोम को डिगिंग कर लें और उनको सेपरेट सेपरेट करते हुए आप नेक्ड या तो प्लांटेशन में लगा दें या उनको थैलियों में ट्रांसफर कर दें बैग में, और बैग्स में ट्रांसफर करने के बाद में जैसे वो बड़े हो जाएं नेक्स्ट ग्रोइंग सीजन में, नेक्स्ट रेनी सीजन में आप उनका प्लांटिंग कर सकते हैं। यानी कि आप उस सीड को दो जगह से दो तरह यूज कर लें, या तो सीड को नर्सरी में ले जाएं और सीडलिंग तैयार करें,
फिर प्लांटिंग करें, या सीड को वहीं रखें, वहीं जो उसके नीचे ग्राउंड पर उसको गिरा दें, मिट्टी को लूज करके सीड को वहीं सोइंग कर दें और रेनी सीजन में वो उग जाएगा, एक साल उसको रिटेन करके फिर उसकी डिगिंग कर लें, थोड़ा वहीं नेचर में छोड़ दें ताकि वो रिजनरेट हो जाएगा, बाकी को आप आपकी नर्सरी में शिफ्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप नेक्स्ट प्लांटिंग कर सकते हैं, इस तरह बांस को आप यूज कर सकते हैं। धन्यवाद सर। थैंक यू। एक आखिरी सवाल और, थोड़ा आने लग रहा है तो एक सवाल और ले लेते हैं, अभी लोग जुड़े भी हैं तो एक सवाल सर और लेते हैं। इसमें हमारा प्रभुलाल जी, प्रभुलाल मीना है, प्रभुलाल जी की तरफ से सवाल है कि प्रतापगढ़ जिले में अधिकतर श्यामनाथ भूमि में मगरा तुलसी बहुत ज्यादा मात्रा में आ गई है, जिससे अन्य घास नहीं है कि नहीं के बराबर हो रही है, तो इसके लिए क्या किया जाए? देखिए, किसी का नाम नाम अच्छा रख देने से काम उसके बुरे हो, और नाम अच्छा रख दें तो वो अच्छा आदमी नहीं होता है। तो इसके नाम के आगे मगरा तुलसी, तुलसी नाम रखने से ये तुलसी है नहीं, हाँ तुलसी की फैमिली का जरूर है लेकिन ये तुलसी नहीं है। इसका टेक्निकल नाम है हिप्टिस सुयोलेंस। इसको MP और छत्तीसगढ़ में इसको कहते हैं ममरी। ये वीड है, एग्जोटिक वीड है, खतरनाक वीड है, और इसमें ग्रेजिंग नहीं होती, कोई एनिमल इसको खाना पसंद नहीं करता। जब एनिमल नहीं खाता है तो प्लांट की बॉडी सुरक्षित रहती है, तो जब बॉडी सुरक्षित है, सारी ब्रांच सुरक्षित है, तो ढेर सारे फूल पैदा करेगा, ढेर सारे सीड पैदा करेगा, और नेक्स्ट जनरेशन में पिछले साल के मुकाबले ज्यादा ये जंगली तुलसी उगेगी। इसकी एक और ऐब है, इसमें जब हम प्लांटिंग करते हैं तो पौधों को 3-3, 4-4 मीटर का गैप रखते हैं। इसके प्लांट बहुत छोटे से डिस्टेंस पे ग्रो कर सकते हैं, यानी कि 1-1 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर पे, 3-3 सेंटीमीटर पे। तो इतना जब क्लोज कोई पौधा उगेगा तो डेंस मैट बनाता है। जब डेंस उगेगी, इसके नीचे उगा हुआ कोई भी इंडियन पौधा, चाहे घास है या दूसरा हर्ब है, उसकी वाटर सप्लाई को ये सब खा जाते हैं, मिनरल सप्लाई को खा जाते हैं, और ऊपर से लाइट सप्लाई को भी नहीं आने देते। जब पौधे को लाइट नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिशन, पानी नहीं मिल रहा, हमारे पौधे नष्ट हो जाते हैं। ये वीड हमारे ग्रास लैंड के लिए बहुत ही खतरनाक है, हमारी बायोडायवर्सिटी को बहुत खतरनाक है। अब इसका तरीका क्या है, इसको खत्म करना है, इसको रोकना नहीं है, खत्म करने का ये तरीका है, अगर हिली एरिया है तो ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे हटाते आए, नीचे नहीं हटाना, पहले ऊपर से हटाएं, क्योंकि अगर नीचे हटा दिया और ऊपर ये बच गई तो जो रन ऑफ होके पानी आ रहा है उसके साथ ऊपर से बीज फिर नीचे आ जाएंगे, ये फिर ग्रो कर जाएगी। दूसरा, रेनी सीजन में जड़ से उखाड़े इसे, इसे ना काटना है ना जलाना है, जड़ के साथ उखाड़ना है। और ये ध्यान रहे, जब उखाड़ रहे उस समय फूल और बीज नहीं होने चाहिए, अगर फल और बीज आ गए आप उखाड़ेंगे तो बीज तो गिर जाएंगे, फिर इसको हटा क्या करेंगे, अगले साल बीज फिर उगेंगे। यानी सीड पकने से पहले पहले हटाना है, तो हिली एरिया में टॉप से बॉटम की तरफ हटाना है, प्लेन एरिया में सेंटर से पेरिफेरी की तरफ हटाना है, और हटाने के बाद में अगले 2-3 साल फिर वहां घूम के देखना है, क्योंकि इनके बीज डोरमेंट होते हैं, जमीन में पड़े हुए बीज फिर अगले साल उगते हैं, उनको बेबी कंडीशन में रेनी सीजन में अपरूट करके हटा देना है। इस तरह इसका फॉलोअप करना है, एक जगह 3-4 साल का साइकिल हम जब करेंगे जब इसको हटाएंगे, और पूरे जोन में एक बार नहीं हटाएं, अगर बड़ा एरिया तो उसको हम सेगमेंट में बांट लें, फेज में बांट लें कि भैया हम इस साल 50 हेक्टेयर को हटाएंगे, अगले साल इस 50 को हटाएंगे, अगले साल इस 50 हेक्टेयर में हटाएंगे, और ध्यान रहे हटाने के बाद उस एरिया को वैकेंट नहीं छोड़ें, क्योंकि कोई कोई दूसरी वीड आके घुस जाएगी, उस पर आप रीजनरेशन का काम शुरू कर दें। और कुछ नहीं कर सकते तो घास का तो सोइंग कर सकते हैं, देसी घास के बीज का सोइंग कर दें, उससे क्या हमारी जो घास उगेगी ये ममरी को सप्रेस करने लग जाएगी। इस तरह आपका फिजिकल अफर्ट और आपके बायोलॉजिकल अफर्ट सारे चलेंगे, जब हम इस ममरी को जो है हिप्टिस सुयोलेंस जंगली तुलसी को कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू सतीश सर। तो हमारे सवाल तो आते जा रहे हैं, पर एक चीज ये भी थी कि इनमें से काफी सारी जो सवालों में जो 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 चीजें पूछी गई हैं वो आप देखेंगे कि वीडियोस में कवर्ड है, तो अधिकतर चीजें जो सवाल आ रहे हैं वो वीडियोस में काफी डिटेल में कवर्ड है। आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये वीडियोस एक बार देखिएगा, गो थ्रू करिएगा, काफी कुछ इनमें से आपको जानकारी मिलेगी और आपके रेलिवेंट काम के रेलिवेंट भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
प्रोसेस को लेके, प्रैक्टिसेस को लेके, सब कुछ ध्यान में रखते हुए और समय को ध्यान में रखते हुए, तो हम ऑलरेडी काफी टाइम पार कर चुके हैं, हमने जितना निश्चित रखा था समय, तो वो सबको देखते हुए हम लोग सेशन को अभी यहाँ पर कंक्लूड करते हैं. और वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू हैविंग यू देयर इन द वीकली सेशन. बिफोर कंक्लूडिंग द सेशन, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय सिंसियर ग्रेटिट्यूड टू एवरीबडी हु इज प्रेजेंट देयर. तो सबसे पहले वोट ऑफ थैंक्स में अगर बात करें तो सतीश सर, सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आपका बहुत बहुत आभार, क्योंकि आपके आपसे जितना हम हर बार बात करते हैं उतना ही आपसे सीखने में मिलता है और उतना ही शायद हम मोटिवेट होके वापस जाते हैं. तो इस आपके बहुमूल्य विचारों ज्ञान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. इसी के साथ मैं, जो हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़े हैं, जो हमारे साथ हमारे माननीय वक्ता जुड़े हैं अलग अलग देश के अलग अलग क्षेत्रों से, उन सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ. राजस्थान से आशा जी, श्रेया और जो कम्युनिटी मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, गुजरात से बलवंत भाई, विक्रम भाई, कर्नाटक से ममता जी और श्रीरंग जी, और उड़ीसा से जीली जी, कार्तिक जी और उनकी टीम, आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद. आपके अनुभव और जो आपकी कहानियां हैं और आपके इतने सफल उदाहरण देख के हमें भी बहुत प्रेरणा मिली है और शायद जो बाकी लोग भी जुड़े हैं, तो इसी उत्साह के साथ वी होप टू कंटिन्यू दिस फॉरवर्ड. एंड अ वेरी वेरी स्पेशल थैंक्स टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, जितने साथ भी जो हमारे साथ प्रतिभागी जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शायद ये आपका ही जुनून है, आपका ही पैशन है जो इस तरह के इनिशिएटिव्स लेने के लिए हम मोटिवेटेड भी रहते हैं और इस तरह के इनिशिएटिव्स चल भी पाते हैं. तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए, जुड़ने के लिए. थैंक यू, वी क्लोज द सेशन. सभी का धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू.